तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो किसी ने बोला था कि 4 बज गए, लेकिन अभी पार्टी बाकी है, राइट? 4 तो बज गए हैं और पार्टी भी हम लोग बस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जस्ट हम लोग लिमिट को आगे कंटिन्यू करेंगे। लिमिट को कंटिन्यू करने से पहले पहले जस्ट आप मुझे पहले एक बार बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्या सब कुछ क्लियर है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। अगर सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं तो पहले मुझे एक बार ऑडियो वीडियो बता दे कि ऑडियो वीडियो इज फाइन और नॉट, है ना? और बाकी की जनसंख्या कहाँ है एक बार उनको भी बुला लें और यहाँ से अपना लिमिट जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सब कुछ फाइन होना चाहिए और उसके बाद अपना जो सेशन है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो चलो अपना सेशन जो है स्टार्ट करते हैं और आज से हम लोग लिमिट स्टार्ट करेंगे। कल वाला जो सेशन है उसको थोड़ा सा मैं आपको और एक बार जस्ट समझा दूंगा और उसके बाद हम लोग आगे चलना शुरू करेंगे। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज मी योगेश त्यागी। जो आपको सामने इंसान खड़ा है वो आपको लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी, ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ाने आए, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और इस इंसान से आपको अभी पढ़ना है। तो चलिए पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। दिस इज माय प्रोफाइल, माय नेम इज योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल केमिकल एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग। और अगर मैं जस्ट अनअकैडमी के प्रोफाइल की बात करूं तो unacademy.com@100 आप मुझे सर्च कर सकते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 इयर्स एंड आई एम स्पेशलिस्ट इन फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, RAC, IC इंजन एंड पावर प्लांट, दीस आर माय सब्जेक्ट्स। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो अभी अभी आप सारा का सारा पढ़ रहे हो, मेरे ख्याल से सारी की सारी ब्रांचेस है। ठीक है, यस यस। तो जस्ट अगर हम यहां से बात करें तो अभी तक मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को मैं टीच कर चुका हूं एंड आई वाज इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मोर देन 100 अगर मैं बात करूं इधर महाराष्ट्र की, यूपी की, तो मैं जब ऑफलाइन चलता था तो मोर देन 100 करियर गाइडेंस सेमिनार मैंने आप जैसे कई बच्चों को दिए हैं। और जो भी करियर से रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी अगर आपको लगता है। इन केस अगर आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे अनअकैडमी के ऐप पे क्या क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगी स्पेशल क्लासेस, लाइव टेस्ट, फ्री क्विजेस, अनअकैडमी कॉम्बैट, और अगर आपसे पूछ लेता है इन्विटेशन कोड तो यस यू कैन यूज द कोड। द कोड इज वॉट, त्यागी 100। दीज आर माई सब्जेक्ट्स जो मैं सब्जेक्ट्स के साथ डील करता हूँ, इनकेस जो भी बच्चे होंगे, हालांकि मतलब अदर ब्रांचेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो तो मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, बाकी और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझसे पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली दीज आर द सब्जेक्ट्स। एंड वन मोर थिंग इज व्हाट, अगर मैं स्पेशल क्लासेस के बारे में डिस्कशन करूं तो नो डाउट आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको डेली के डेली पोल्स मिलते हैं, आपकी क्लास कभी मिस ना हो इसलिए कॉन्टिन्यूसली आपके पास नोटिफिकेशन आती रहती है लेक्चर के नोट्स, और लेक्चर को आप कहीं पे भी देख सकते हैं। लेक्चर के नोट्स आप क्लास के जस्ट बाद डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जस्ट प्रेफर करते हैं कि हमें 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में। इस टाइप से कुछ क्लासेस दिखती हैं, आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो यू विल गेट द प्रोफाइल। और वेडनेसडे को हम लोग फंक्शन करेंगे, ठीक है? वेडनेसडे जो भी कमिंग वेडनेसडे है मैं अभी से अनाउंस कर देता हूं, और अभी अनाउंस करने का मतलब यह है आप तैयार रहिए। फंक्शन जिस जिस बच्चे को पढ़ना है, जिस किसी को लग रहा है कि सर मैं फंक्शन पढ़ना चाहता हूं, तो यस फंक्शन हम लोग करेंगे वेडनेसडे को, ठीक है? तो चलिए अभी सेशन को आगे जस्ट कंटिन्यू करते हैं। दिस इज माय नेम, इन केस अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप योगेश त्यागी सर्च करिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास तक आती रहेगी। अनअकैडमी आपको जो भी कोर्सेज प्रोवाइड कराता है वो 2 है, प्लस और आइकॉनिक, चलो उनके बारे में थोड़ी सी देर बाद डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा कल लेक्चर 1 था जिसके बारे में हमने कल बात की थी, और इस लेक्चर 1 के बारे में ही हम लोग आगे बात करना शुरू कर रहे थे, ठीक है? तो लिमिट के बारे में हम लोगों ने कल जो भी डिस्कशन किया था उस डिस्कशन का मेन मोटो क्या था कि लिमिट होती क्या। बेसिकली हमारा जो मोटो था वो हमारा, हाँ पढ़ना है ना, यस स्पेशल क्लास पे आपका फंक्शन होगा, डेफिनेटली स्पेशल क्लास पे ही कर पाऊंगा बिकॉज इस पे तो शेड्यूल इसका लगा हुआ है और अलग से शेड्यूल में लगा नहीं सकता, ठीक है? हाँ, अलग से शेड्यूल लगा नहीं सकता। कुछ क्लासेस मेरी रहेंगी फंक्शन की, कुछ क्लासेस उसमें साइलेंसर भी ले लेंगे, दूसरे न्यूमेरिकल वाले सेशन जो रहेंगे वो हम लोग ऐसे साथ में ले लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल एक जो कॉम्बो होता है ना वो सारा का सारा कॉम्बो लेने वाले हैं, है ना? तो आपको जस्ट मजा मिलेगा। थोड़ा लेट हो गए हैं साहिल, बाकी लोग को बुला लीजिए, अभी मुझे 96 पीपल्स दिख रहे हैं व्हिच वी हु आर वॉचिंग, है ना?
तो इट्स नॉट कल तो मेरे ख्याल से कल तो काफी थे 170 के आसपास कल थे, बट आज क्या हो गया ऐसा? कल वाला जो टॉपिक पढ़ाया था वो थोड़ा बहुत आप लोगों के दिमाग में आया कि लिमिट का मतलब क्या होता है? क्या कल वाला जो टॉपिक था उसमें थोड़ा बहुत ये चीज क्लियर हुई कि सर लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है नाइबर्स, है ना, लिमिट का मतलब होता है नाइबरिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। अगर इक्वल टू लिखा है और लिमिट लिखा है, लिमिट का मतलब हम नाइबर्स की बात करते हैं, ठीक है। चलो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? करना तो पड़ेगा ना सब कुछ, है ना। ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं नहीं सर हमें नहीं करना या हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं, करना तो बेटा पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, ठीक है। सो डोंट वरी, हम लोग सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, एक तरफ से जो भी है वो सब कुछ करेंगे, सारा का सारा। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं ना, बिकॉज ऐसा होता है कि मतलब धीरे धीरे धीरे। चल हाँ, लिमिट एग्जिस्टेंस वाला फॉर्मूला बताओ, अभी लिमिट एग्जिस्टेंस वाला फॉर्मूला बता देते हैं। हमने बेटा ये वाला पार्ट देखा था, यहाँ से फंक्शन देखा था, फिर हमने यहाँ से एक नाइबर्स का एग्जाम्पल लिया था, है ना। हमने दूसरे के बारे में पता करने के लिए जस्ट उसकी आसपास की नियरेस्ट वैल्यू देखी थी, फिर हमने देखा था कि अगर हम एक्स इज इक्वल टू इसमें जीरो पुट कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमें यहां से जस्ट दिखेगा कि ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमने x is equal to 0 पे जस्ट देखा कि सर ये वाला पॉइंट जो है वो कुछ इस टाइप से आ रहा है और ये हमें यहां से ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा आगे चले थे, तो आगे चल के हमने यहां से जस्ट इसके बारे में डिस्कशन किया था, सॉल्व किया था। सॉल्व करने के बाद हमने यहां से दो चीजें बताई थी, एक टेंस टू a की वैल्यू और एक हमने यहां से a की वैल्यू। a का मतलब हम यहां से जो बेटा डिस्कशन कर रहे थे वो हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे थे, एग्जैक्ट वैल्यू की, और यहां से हमने जस्ट बात की थी कि हम नियरेस्ट की बात कर रहे हैं, आसपास की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इस पे हमने डिस्कशन किया था, है ना। इधर देखो, मेरी बात सुन। हमारे पास जो कुछ भी है हम लोग बहुत आराम से डिटेल में चलेंगे, मैथ आपका पूरा होगा और मैथ का सिंगल मार्क्स नहीं रुकेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आप छोड़ दो, ठीक है, वो आप छोड़ दो। पहले इधर देखो सर, एक बार ये बताओ कि फंक्शन के सिर्फ होल वैल्यू के लिए डिफाइन है, जैसे कि कल फंक्शन में सबका वैल्यू 4, 2 ऐसे ही, अगर 4.5 होती है तो नहीं डिफाइन? बिल्कुल होगा डिफाइन, है ना। ऐसा नहीं कि वो इंटीजर की बात कर रहा है, एक हमारी डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए, डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, बस इतना डिफरेंट, ठीक है। चलो इधर देखो तो हम लोग यहां से जस्ट बेटा जस्ट बात कर रहे थे कि अप्रोक्स वैल्यू मतलब हम यहां से टेंस टू जीरो, मतलब हम यहां से जीरो प्लस या जीरो माइनस की बात कर रहे थे, ये सारा का सारा हमने डिस्कशन किया था। फिर हमने एक नियरेस्ट वैल्यू के बारे में देखा था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दो कार हैं आपस में इस टाइप से आ रही लेकिन वो टकरा नहीं रही, तो वो लिमिटिंग वैल्यू की बात करेंगे, और ये मैंने कल आपको दिखाया भी था कि हाँ किस टाइप से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, कल मैं पूरा का पूरा इस पर डिस्कशन किया था, इसके बाद मैंने इसका एग्जाम्पल लिया था। और इस बात में कई बच्चे कंफ्यूज हो गए एकदम से, सर फंक्शन की वैल्यू अगर हम यहां से जस्ट बात करेंगे तो कैसे आप बोल रहे कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है? देखो अगर मैं यहां से जस्ट बेटा इसके बारे में बात करूंगा तो आप क्लियरली समझ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन ये फंक्शन है। अगर मैं इसमें एक्स इज इक्वल टू वन डाल दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो है। तब हमने लिमिट चेक की थी, समझ में आया, यहां पर हमें पता चला था कि फंक्शन नॉट डिफाइंड है, लेकिन फिर हमने इसमें लिमिट चेक की थी कि भैया एक चीज बताओ, अगर हम यहां से जस्ट ऐसे लिखना चाहें लिमिट एक्स टेंस टू वन ऑफ एफ एक्स, क्या ये चीज पॉसिबल है? इस चीज पे हमने डिस्कशन किया था और हमें ये दिखा था यहां से कि 1.999 और 2.001 ये हमारे ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ऑलमोस्ट सेम है, तो इसपे हमने डिस्कशन किया था और इट वॉज ओके, इसमें हमें कोई भी इश्यू नहीं था। मेरे ख्याल से सारे के सारे लोगों को इतना पार्ट जो था वो सबको क्लियर होगा। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक बच्चे ने अभी अभी पूछा कि सर मुझे LHL is equal to RHL और it is equal to finite, limit exist करेगी नहीं करेगी उसका फॉर्मूला बता दीजिए। तो limit exist करने के लिए मैंने बोला था कि left hand limit is equal to होनी चाहिए, right hand limit is equal to एक finite value आनी चाहिए, ये infinite value नहीं आनी चाहिए, हमेशा ये 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 4.5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन एक finite value आनी चाहिए। तब हम यहां से बोलेंगे कि यस फंक्शन की जो लिमिट है वो आपकी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने कल देखा था, इसके बाद हमने इसके क्वेश्चंस देखे थे और इन क्वेश्चंस पे किसी को इशू नहीं होना चाहिए। आप यहां से जस्ट चेक किए थे तो हमने यहां से जस्ट बेटा देखा था कि क्लियरली अगर मैं यहां पे चेक करूं
तो मेरा जो फंक्शन है ना वो अगर इस टाइप से बना के दे दे तो हमें पता है कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। हम यहां से जस्ट बोलेंगे फंक्शन जो है वो हमारा डिफाइंड नहीं है, है ना। जैसे हमने कल बोला कि सर इस पे हमारे फंक्शन की वैल्यू 2 होगी या 3 होगी हम कंफर्म नहीं है, है ना। 2 होगी या 3 होगी तो कंफर्म नहीं, तो फंक्शन नॉट डिफाइंड। और हमने यहीं से जस्ट बोल दिया था कि सर हमारे पास ऐसे आ गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स इट, फिनिश। फिर हमने यहां से एक क्वेश्चन और लिया था और इस क्वेश्चन में हमने जब देखा था तो हमें यहां पे फंक्शन की वैल्यू बेटा 4 दिखी थी और 4 दिखने के बाद हमने लिमिट चेक की थी, तो फंक्शन तो हमारा यहां से डिफाइंड है। अब लिमिट की वैल्यू हमने जब देखी थी तो हमने जस्ट देखा था कि यहां पे 4 माइनस पे और 4 प्लस पे बेटा हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अभी आता हूं बेटा, है ना, क्वेश्चन कर रहे थे, कब एक मिनट रुको मैं समझा दूं सारी की सारी वैल्यू समझा दूं। देखो बहुत जल्दबाजी मत करो कि सर हाँ 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 ये तो हो गया मुझे सब आता है, तो मैं जस्ट एक रिकॉल कर रहा हूं आपको, है ना, रिकॉल कर रहा हूं। तो इसके केस में मैं क्या दिखा था कि फंक्शन डिफाइंड है और इसके अलावा हमने जस्ट बोला था बेटा हमारा इसकी लिमिट भी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इसके केस में हमने सारे के सारे पॉइंट चेक किए थे, ये वाला पॉइंट चेक किया था, ये वाला चेक किया था, ये वाला चेक किया था, और मेरे ख्याल से ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो सबको क्लियर होंगे। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया था कि सर जो आपका यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड है ना उसको ब्लैक कर लेना, तो आज हम ब्लैक बैकग्राउंड के साथ मार्केट में उतरे हैं, ठीक है। तो आज की जो मार्केट है अपनी वो ब्लैक बैकग्राउंड की है। आई वॉन्ट कि मतलब सब लोग हैप्पी रहें, कोई ऐसा ना हो कि हैप्पी ना हो, तो कभी वाइट कभी ब्लैक बैकग्राउंड हम लोग करते रहेंगे और डिसलाइक करने वाले आके डिसलाइक कर जाते हैं। आपके कमेंट्स में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा तो उसके लिए सॉरी, अभी से सॉरी कर देता हूं, है ना, बिकॉज कमेंट पढ़ने के चक्कर में बहुत सारे सीरियस बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो कमेंट में जब देखना चाहूंगा मैं तभी देखूंगा और जब मैं देख रहा हूं तभी आप करना, ठीक है, दैट विल बी मच बेटर। हम लोग जस्ट ऐसे करेंगे और अगर कहीं पे मुझे लगेगा कि हाँ जहां पे मुझे कमेंट पढ़ने चाहिए वहां पे मैं कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि हमारे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का जस्ट फंक्शन आया था और मैंने इसका सॉल्यूशन जस्ट देख लिया था। अगर सॉल्यूशन देखें तो हमने दो तरीके से देखा था कि अगर हम x टेंस टू 1 करेंगे तो हम 1 माइनस की बात करेंगे और 1 माइनस हमारे पास 0.999 और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा वो कितना मिलेगा 0। अगर हम यहां से 1 प्लस करेंगे तो हमने यहां से जस्ट लिया था 1.0000, जब थक जाओ तो यहां पे 1, और ये हमें यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखाता वो 1 दिखाता। तो मैंने बोला था कि लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट करती है और इसको मैंने आपको ग्राफिकली भी समझाया था और ग्राफ जो था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कुछ इस टाइप से था, ठीक है। मैंने सोचा कि बना बनाया ग्राफ ले लेता हूं तो शायद आपको विजिबल होगा, ग्राफ आपको विजिबल है, ग्राफ के केस में मैं ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अच्छा, ब्लैक बैकग्राउंड से नजर नहीं लगी। तो बच्चे हमने यहां से जो ग्राफ देखा था वो ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप से आया था और यहां से जस्ट देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ क्या है, ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो टू वन की बात कर रहा है। मैं ब्लैक ले लेता हूं पेन, है ना, ब्लैक पेन ले लेता हूं, ये वाला, ये जीरो है, यहां पे लीव कर जा रहा है, ये जीरो, ये यहां से फिर से ऐसे, ये यहां से फिर से ऐसे, ये यहां से फिर से ऐसे, ठीक है। तो हमसे जब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेगा, लेट्स सपोज 1 की बात कर रहा है, तो 1 माइनस में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0, 1 प्लस पे वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक है। 1 माइनस पे वैल्यू आपके पास 0, 1 प्लस पे आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 1। ग्राफ के बारे में बेटा हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। फिर हमने यहां से आगे देखा था 2 के, तो 2 माइनस में जब हम चेक कर रहे थे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही थी 1, 2 प्लस पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है हमने यहां से जस्ट देखा 2। सिमिलरली आप इधर भी देख सकते हैं, आप अगर माइनस 1 पे बात करेंगे तो माइनस 1 के माइनस पे चेक करेंगे, माइनस 1 के माइनस पे चेक करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो माइनस 1 आ रही है, माइनस 1 के प्लस पे चेक करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी बेटा वो आपकी यहां से माइनस 2 दिखेगी, ठीक है। माइनस 1 के माइनस पे चेक करेंगे तो वैल्यू आपको यहां से माइनस 1 दिखेगी और माइनस 1 के अगर प्लस पे चेक करेंगे तो वैल्यू आपको यहां से कितनी दिख जाएगी, माइनस 2 दिख जाएगी। मतलब किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप लोग किसी भी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको हमेशा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन आपका डिफाइंड होगा। क्लियर बच्चे? हाँ चलो हाँ, एक्स लेटर ग्राफ है तो आप यहां से जो भी ग्राफ लेना चाह रहे हैं वो सारे ग्राफ देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं, है ना। जस्ट हमने यहां से ऐसे दिखाया था। इसके बाद हमने एक और एग्जांपल लिया था, दैट वाज हमारे पास क्या था बेटा, लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू, हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x देखा था
और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा, देखो आप यहां से जस्ट देखोगे, अगर आप यहां से देखोगे तो इसका जीरो से लेके हम लोग यहां से जस्ट कहां तक जा रहे, वन तक जा रहे, बस जीरो से लेके वन, जीरो से लेके वन, जीरो से लेके वन, आप कभी भी देखेंगे यहां से क्या हुआ, क्या हुआ है? क्या हो गया, क्या कह रहे हो बताओ, ये लो, अच्छा ये चीज, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उल्टा हो गया, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ठीक है ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में आते हैं, ये वाला आपको मेरे ख्याल से क्लियर था, कोई बात नहीं, तुम्हें क्लियर है तभी तुमने बोला, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, उल्टा लिख दिया था मैं, उल्टा लिख दिया था, चलो अभी चले आगे, अभी चले आगे, ये लो, ये क्या कर दिया सर आपने एकदम से, ये माइनस ये प्लस, अभी किस, अभी ठीक है, चलो आगे चलते आगे चलते आगे चलते, इधर देखो, इधर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों निकालते हैं, ग्रेटेस्ट में फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, अरे सुनो सुनो सुनो, फंक्शन की कोई अनडिफाइंड वैल्यू तो नहीं आ रही ना, आप जब भी यहां से जस्ट बात करोगे कि ये हमारे पास x आ रहा है, लेट्स सपोज इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात करोगे, fx is equal to आपके पास यहां से x की बात करेगा, ठीक है, आप यहां से जस्ट बोल लेंगे सर मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो आपने बोला कि मेरे पास क्या है 1.00009 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 1, क्या ये डिफाइंड है, क्या ये डिफाइंड है, यस डिफाइंड, ठीक है, आप यहां से x की जो भी वैल्यू रखेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मिल जाएगा, आप यहां से 1.5 रखेंगे, 2.99 रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, 3 पॉइंट जस्ट जो कुछ भी रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल जाएगा, तो फंक्शन तो इज ओके, फंक्शन इज ओके, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, हॉलो सर्कल, कहां हॉलो सर्कल की बात कर, अच्छा इस पे बात कर रहे हो, ये चीज बात कर रहे हो, हाँ ठीक है ठीक है, हम इस पे एग्जैक्टली नहीं चल रहे, हम इस पे चल रहे, ये देखो हम इस पे चल रहे हैं, ये वाला फंक्शन है, ये वैल्यू चल रहा है, ये वैल्यू चल रहा है, ये वैल्यू चल रहा है, हम इस पे लिमिट बता रहे हैं, हम अगर यहां से लेके यहां तक की अगर आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, बच्चे सोच रहे हैं कि सर हॉलो सर्कल है, आप यहां से हॉलो सर्कल को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, मेरे बच्चे बस ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इधर देखो इधर 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 मेरे पास सुनो, हम क्या कह रहे थे, अगर हम यहां से लेके यहां तक इसके फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो सर किसी भी पॉइंट पे जो वैल्यू मिल रही है वो हमें कितनी मिल रही है, किसी भी पॉइंट पे जो वैल्यू मिल रही है वो वन मिल रही है, समझ रहे, यहां से लेके यहां तक फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो किसी भी पॉइंट पे जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, लिमिट डिफाइंड नहीं है, लिमिट डिफाइंड नहीं है, लिमिट डिफाइंड नहीं है, समझ रहे, लिमिट डिफाइंड नहीं है, यहां पर हॉलो बता दिया, फंक्शन की वैल्यू हमने यहां से जस्ट बोला कि सर यहां से ये चलना शुरू हो गए, समझ गए, क्लियरली समझना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं सर, इस पॉइंट पे हमारी लिमिट डिफाइंड नहीं, चलो चलो हॉलो सर्कल है, रोहित तिवारी मैंने दिखा दिया, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अब मेरी बात सुनिए, अभी हम यहां से जस्ट बेटा बात कर रहे थे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में, अब मैंने यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में बात की, तो सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में आप कौन सा फ्रैक्शनल, अब देखो इसका फंक्शन कैसे जा रहा है ना, यहां से देखो हमारे पास जस्ट बेटा अभी क्लियर दिख रहा है, इसका फंक्शन ही ऐसे वैरी कर रहा है, I'm sorry कि मैंने यहां से दूसरा कलर ले लेता हूं, दूसरा कलर लेता हूं, ये वाला, हमारे पास फंक्शन ही ऐसे जा रहा है, ठीक है, हमारे पास फंक्शन ही ऐसे जा रहा है, इस फंक्शन को देखेंगे ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे हमने यहां से जस्ट बोला कि सर हमारा फिर से यहां पे देखो, अब आप यहां से जस्ट बात करना शुरू करोगे कि सर अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करूंगा तो किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो, जीरो प्लस पे चेक करोगे, देखो यहां से देखो जीरो प्लस पे चेक करोगे ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आ रहा है, जीरो माइनस पे बात करोगे ऑलमोस्ट आपके पास ये वैल्यू वन आ जा रही है, जीरो के अलावा वन पे चेक करोगे, वन प्लस पे ऑलमोस्ट जीरो के अलावा, यहां से वन माइनस पे ऑलमोस्ट कितनी आ जा रही, वन, ठीक है, कहीं पे भी देखेंगे, इसकी देखेंगे तो इस साइड देखेंगे तो ये आ जा रहा, इस साइड देखेंगे तो ये, इस साइड देखेंगे ये, तो मैंने कल आपको बताया था कि फॉर एवरी इंटीजर, ये मैंने कल बोला था, फॉर एवरी इंटीजर, किसी भी इंटीजर के लिए बात कर दे अगर वो एवरी इंटीजर फंक्शन, अगर इनसे यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात कर दे या आपसे यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात कर दे, इन दोनों के केस में लिमिट
does not exist आ जाएगी, आपकी जो लिमिट आएगी वो does not exist आ जाएगी। आंख बंद करके जहां जहां पे आपको कोई भी इंटीजर वैल्यू दिख जाए वहां पे लिमिट does not exist लगाना है और आगे बढ़ जाना है। सोचना ही नहीं है, बोलना ही नहीं, सर मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं लिमिट does not exist लगाऊंगा जहां जहां पे किसी भी इंटीजर की वैल्यू की बात करेगा। ठीक है, जैसे यहां से extends to one की बात कर रहा है तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, और इंटीजर के केस में हम सर यहां से x = just देखेंगे तो लिमिट does not exist रहेगी। ये बात हमने यहां से क्लियर कर ली थी और हम कल यहां से स्टार्ट करने वाले थे। ये हमारा लिमिट का चैप्टर 2 है। कल वाला जो पार्ट है मेरे ख्याल से सब लोगों को क्लियर होगा, जितने भी लोग हैं कल वाला पार्ट सबको क्लियर होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आई होप कि मतलब इतना क्लियर होगा और कोई हमें जल्दबाजी नहीं है कि सर मैं बहुत जल्दी में करना चाहता हूं। मैं यहां से जो बात कर रहा था बेटा वो tan इनवर्स ऑफ x के बारे में बात कर रहा था। क्या यही वाला पॉइंट था हमारे पास? क्या मैं tan इनवर्स ऑफ x के बारे में बात करने जा रहा था? मुझे जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें कि मेरे पास यही लास्ट था मेरे ख्याल से सर। ठीक है, यही लास्ट था। तो बच्चे चलो हम यहां से लिख लेते हैं कि सर हमारे पास जो वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 0 और हमने यहां से जस्ट बोला कि tan इनवर्स ऑफ 1/x के बारे में बात कर रहे हैं। tan इनवर्स ऑफ 1/x के बारे में बेटा बात कर रहे थे। अब मैंने यहां से जस्ट बोला कि सर मुझे 0 माइनस और 0 प्लस पे चेक करना। ठीक है, मैंने यहां से बोला कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना चाह रहा हूं। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा तो फंक्शन मैं 0 माइनस पे चेक करूंगा, और अगर मैं राइट हैंड लिमिट चेक करना चाह रहा हूं तो राइट हैंड लिमिट में मैं फंक्शन एट 0 प्लस चेक करूंगा। ठीक है, 0 माइनस और 0 प्लस पे सर हम फंक्शन चेक करने वाले हैं। तो मेरे पास यहां से क्या क्या मिलने वाला, मैं यहां से क्या लिखूंगा, इट इज नथिंग, इट इज tan इनवर्स ऑफ 1/ यहां से आएगा 0 माइनस, और ये बेटा हमारे पास यहां से आएगा tan इनवर्स ऑफ 1/ हमारे पास कितना आ जाएगा 0 प्लस। अब हमारे पास दो चीजें मिलती हैं, एक हम बात करते हैं बेटा इनफाइनाइट, एक हम बात करते हैं यहां से इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और एक हम बात करते हैं नॉट डिफाइंड। दोनों चीजों पे अभी हम डिस्कशन करेंगे, एक एक चीज क्लियरली समझना कि हाँ यहां तक ठीक है सर। अब ये 0 माइनस और 0 प्लस वाला जो चक्कर है ना कहीं से हम इसमें फंस जाते हैं सर, हमें क्लियरली समझ में आता है कि सर हम क्या बात करने जा रहे हैं। और 0 माइनस 0, देखो मेरी बात सुनना बहुत आराम से, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बाई चांस आपको कहीं पे भी जिंदगी में 1/ एग्जैक्ट 0 मिल जाए, 1/ एग्जैक्ट 0 मिल जाए, तो इसको आप डायरेक्टली इंफिनिटी रखते हो। कहीं पे भी अगर आपको यहां से 1/ एग्जैक्ट 0 की वैल्यू मिले तो आप इसको इंफिनिटी रखते हैं। अगर आपको कहीं पे भी 0 प्लस मिल जाए, व्हाटएवर 0 प्लस की बात करेगा, तो आप यहां से इसको कितना रखते हो बेटा, प्लस का इंफिनिटी। ध्यान से देखना जरा, आप इसको यहां से प्लस करने, आप बोलोगे सर प्लस इंफिनिटी क्या, मैंने बोला देखो कुछ नहीं, 0 प्लस का मतलब क्या है, 0 प्लस का मतलब यह है कि आप 0.00000000000 जब तक लिखो जब तक थक ना जाओ, यहां से आप यहां पे जब थक जाओ तो 1 लिख देना। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो एक बहुत बड़ा नंबर, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 × 10^23 के आसपास, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बहुत बड़ा नंबर, और ऑलमोस्ट ये हमारे पास कितना आ गया, टेंस टू प्लस इंफिनिटी की बात कर रहा है। समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से सारे के सारे। अगर कहीं पे भी लाइफ में आपको 1/0 माइनस मिल जाए, 1/0 माइनस का मतलब क्या है बेटा, आपको यहां से यह चीज समझनी पड़ेगी कि सर 1/0 माइनस का मतलब क्या है। मतलब हमारे पास ये जो बात करने जा रहा है, हम 0 प्लस और 0 माइनस की बात कर रहे हैं। अब हमने यहां से बोला कि सर 0 माइनस क्या होगा, ये हमेशा हमेशा आपका माइनस ऑफ इंफिनिटी आ जाएगा। माइनस ऑफ इंफिनिटी कैसे, आप बोलोगे सर हमेशा आप यहां से जो चलोगे वो आप डायरेक्टली लिखोगे 1, यहां से कितना आ जाएगा 10^10, यहां से चलना शुरू करोगे तो ये बेटा आप यहां से 0 माइनस 0.9999999, और ये जब आप आगे चलोगे तो आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो 1 × 10^-, माइनस यहां से कितना दिखेगा 23, माइनस 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 के साथ। तो आप यहां से जस्ट बोलोगे बेटा, आप यहां से जस्ट बोलोगे सर हम माइनस की, 0 माइनस की तरफ थे, तो ये हमेशा आपको दिखेगा माइनस ऑफ इंफिनिटी, माइनस ऑफ इंफिनिटी। बहुत क्लियरली एकदम समझना, जहां पे 0 प्लस वो प्लस इंफिनिटी, जहां पे आपको 0 माइनस वो माइनस इंफिनिटी, तो माइनस ऑफ आपका क्या है 10^23। ठीक है, बस इतनी सी वैल्यू, बस इतनी सी वैल्यू आपको पहचाननी है। तो हम अगर इसकी फंक्शन की वैल्यू की बात करें तो मुझे पता है कि सर अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ये हमारे पास आ जाता है tan इनवर्स, यहां से मैं इधर ही लिख देता हूं,
मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे बेटा लिखना चाहूंगा, कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगे तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ये हमारे पास यहां से LHL की बात करेगा तो LHL इज इक्वल टू 10 इनवर्स हमारे पास आएगा बेटा 1 बाय प्लस इंफिनिटी आ जाएगा, 1 बाय इंफिनिटी आएगा, बोलिए यहां से 1 बाय प्लस इंफिनिटी। और RHL जो आएगा बेटा हमारे पास दैट इज 10 इनवर्स ऑफ 1 बाय हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? हमारे पास जो आंसर आ रहा है बेटा वो कुछ इस टाइप से आ रहा है 1 बाय प्लस इंफिनिटी 1 बाय माइनस सॉरी 0 था आई एम सॉरी हमारे पास यहां से 0 था ऑलरेडी, ये 0 था तो प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। ये अगर हम यहां से बेटा प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी की बात करेंगे, ये प्लस इंफिनिटी है ये माइनस इंफिनिटी है, आप यहां से लिख देंगे सर ये आपके पास पाई बाई टू आएगा और ये आपके पास माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। आप बोलोगे सर क्या कर क्या बात कर रहे हो, आप बोलोगे यहां से जीरो प्लस मीन समथिंग जीरो, यस। तो इसको इंफिनिटी कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज वंस वन अपॉन में है तो पॉइंट हटाने पे वैल्यू आएगी बेटा, वही तो कर रहे हैं, देखो ना पॉइंट हटाने पे ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू आएगी तो ये 1 into 10 to the power minus 23 आएगा और माइनस ऊपर जाएगा तो 1 into 10 to the power plus 23 आएगा, तो इतना बड़ा तो इशू नहीं है कि नहीं पहचान में नहीं आ रहा, इतना बड़ा तो इशू नहीं है कि आपको ये पहचान में नहीं आ रहा होगा, मेरे ख्याल से तो बहुत छोटा सा इशू है ना, 0.000001 जीरो के पास वाला है। तो 1 into 10 to the power minus 23 लिखोगे ना तो माइनस ये, अब आप इसकी बात करोगे ये आपके पास माइनस टाइम्स है, माइनस चल रहा है माइनस टाइम्स है, यहां से 0.000010 टू द पावर 23 है ना, जब आप यहां से चलोगे तो ये भी यही मिले माइनस ऑफ 0.000 ऐसे लिख लो 00, ये कितना आएगा बेटा माइनस, आप यहां से लिखोगे 10 टू द पावर माइनस 23 1 माइनस ऑफ ये कितना जाएगा ऊपर माइनस साथ में आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बस खत्म। समझ पा रहे प्लस 23 कैसे लाओ ये भी दिखा देते, ये तो कोई बहुत बड़ा मतलब पॉइंट नहीं था, इधर देखो ये देखो यहां से देखो, हमने यहां से जस्ट बोला बेटा हमारे पास है क्या, हमारे पास केवल यही तो है, जीरो माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, जीरो नेगेटिव की तरफ माइनस की तरफ है, माइनस की तरफ है तो माइनस ऑफ जीरो पॉइंट, देखो यहां से आप इधर जाओगे 0000000 इनटू कितना आ जाएगा 1 इनटू 10 टू द पावर 23, तो ये माइनस ही तो आएगा माइनस 10 टू द पावर माइनस 23, अरे सॉरी माइनस तो था ही, कितना आएगा प्लस ही तो आएगा प्लस, अगर ये यहां से जस्ट बात करोगे माइनस का 10 टू द पावर 23 मतलब किधर हो, मतलब आप किधर हो, बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा नंबर यहां पे 10 टू द पावर 23 यहां का माइनस की तरफ, इधर की तरफ बहुत बड़ा नंबर, क्या इसमें कोई डाउट है यार, क्या इसमें कोई डाउट है, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है क्लियर, यस। तो LHL बेटा आपके पास यहां से माइनस पाई बाई टू और ये वाला आपके पास यहां से प्लस का पाई बाई टू, इधर उधर हो जाए तो आप प्लीज यहां से समझ लीजिए, ओके ओके दैट्स नॉट एन इशू है ना, यहां से जस्ट ये जीरो माइनस ये जीरो प्लस है तो ये आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक चीज यहां पे जस्ट जब भी 10 की बात आती है ना, कोई बात नहीं सर ने गलती से लिख दिया उल्टा, अरे ठीक है मेरे मालिक ठीक है, बस एक लोग लिख दिया करो, मैं देख लूंगा तो कर दूंगा, ऑलरेडी कर दूंगा, क्यों परेशान हो, कुछ भी ले लो 23 मैंने बस इतना लिया है कि अगर हम यहां से कोई स्पेस लेते हैं तो कितने एटम्स मिलते हैं, कोई स्पेस लेते हैं तो कितने एटम मिलते हैं, हमारे पास 10 टू द पावर 23 एटम्स मिलते हैं, तो हमने इसलिए 23 ले लिया, आपकी मर्जी है, आप 23 ना लेके आप यहां से 223 ले लो, ये लो आपकी मर्जी 233 ले लो आपकी मर्जी। अब आप ये बोलो कि नहीं मैं पापा या मैं व्हाइट शर्ट ही क्यों पहनते हैं, मैं तो ब्लैक भी पहन सकता हूं, अरे पहनो ना, किसने मना किया, ब्लैक शर्ट पहनो या व्हाइट शर्ट पहनो किसने मना किया, हम थोड़ा ना मना किया आपको, सर समझ नहीं आ रहा साइन आपने उल्टा लिख दिया, मैंने साइन बेटा सीधा कर दिया, ये हमारे पास देखो इधर देखो मैं यहां गलती से लिख गया था, मैं यहां से गलती से लिख गया था तो प्लीज उसको समझो, ये बेटा हमारे पास जो है वो जीरो माइनस है तो माइनस इंफिनिटी है, ये जीरो प्लस है तो प्लस इंफिनिटी है, ये माइनस पाई बाई टू है प्लस पाई बाई टू है, दैट्स इट, बस इतना है। पापा को पापा क्यों कहते हैं, ठीक है बस कुछ नहीं, वो गलती से लिख गया था और कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट तो यही है ना यार, कॉन्सेप्ट तो यही है ना, साइन की वजह से कंफ्यूजन, वो बाय मिस्टेक, वो राइटिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल से, इसमें इतना सर और बहुत कंफ्यूज हो गया, और सर एकदम से कंफ्यूज, अगर कंफ्यूज हो तो मैं अभी यहां पे खड़ा हूं, अभी ये डाउट क्लियर है,
हम तो शर्ट ही नहीं पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे। यस हाँ, अभी कंफ्यूजन दूर हो गया बेटा, ये कंफ्यूजन दूर हो गया, ये क्लियर है बेटा। माइनस का पाई बाई टू, प्लस का पाई बाई टू। एक एक यहां से याद आया, एक एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, आपको अगर याद हो तो एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, और वो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म कहीं आपने देखी हो कि जीरो इंटू इंफिनिटी, अगर आपने कहीं ध्यान दिया हो, जीरो इंटू इंफिनिटी, जीरो इंटू इंफिनिटी को इंडिटर्मिनेंट फॉर्म कहीं पढ़ी है? अभी पढ़ाऊंगा मैं इसको, जीरो इंटू इंफिनिटी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ी है? देखो अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा, है ना। अब एक छोटा सा पॉइंट पहले बता दूं, फिर इसके बाद मैं इसमें एक स्टोरी आपको समझाऊंगा, तब आपको ये याद होगा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। दिस इज ओके, दिस इज ओके। अगर ऐसा हो गया तो हमने बोला कि इसका मतलब हमारा लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, एक मैं आपको बात बता दूं, एक राज की बात बता दूं, कि मैं मतलब ऐसे गलती से इधर उधर लिख जाऊंगा, ये मेरा मतलब क्या कहते हैं वो डिफॉल्ट है ना, मैं गलत लिख जाता हूं, बट मैं एक चीज सही करूंगा, या तो सही बोलूंगा या सही लिखूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, एक या तो सही बोलूंगा या सही लिखूं, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने ये कैसे लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब जानबूझ के लिख रहा हूं, वो होता है ना कि जैसे LHL था, है ना, तो LHL को हमने पहले लिखा तो हमें जीरो प्लस लिख दिया, तो हमने ऐसे लिख दिया, तो दैट्स डज नॉट, है ना, पता है ना? यस पता है। चलो हाँ, अभी देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, पहले यहां से जस्ट देख लेते, एक एक छोटी सी चीज मुझे आपको समझानी थी। आपको कहीं कहीं पे जब भी 10 की बात करते हैं, जैसे आपने 10 का ग्राफ देखा होगा, तो 10 को कहीं कहीं पे बोलते थे कि 10 का जो ग्राफ है 10 डज नॉट एग्जिस्ट, कहीं कहीं पे लिखा होता है कि नॉट डिफाइंड, और कहीं कहीं पे लिखा होता है इंफिनिटी। समझना मेरी बात, मैं बोलता हूं कि 10 थीटा की वैल्यू कहीं कहीं पे इंफिनिटी लिखी होती है, और कहीं कहीं पे 10 थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड लिखी होती है। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है कि इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड अलग अलग क्यों लिखा रहता है? इंफिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड नहीं है, वो एक बहुत बड़ा नंबर है। अभी अभी मैंने दिखाया, इंफिनिटी का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है, प्लस का या माइनस का। पाई बाई टू डिफाइंड वैल्यू होने का मतलब ये थोड़ा ना है, उसने बोला इस फंक्शन की वैल्यू जीरो प्लस ले लो और जीरो माइनस ले लो, जीरो प्लस पे कुछ और आ रही, जीरो माइनस पे कुछ और आ रही, तो इस वजह से दोनों वैल्यू अलग अलग आ जा रही है, और अलग अलग आ जा रही, तो टेन इनवर्स वन बाई एक्स पे जीरो पे ये डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, ठीक है? ये अनडिफाइंड है, आपको देख लो, क्लियरली दिख जाएगा, क्लियरली दिख जाएगा, दीक्षा, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने यहां से जस्ट बोला कि सर हमसे कहीं पे टेन थीटा की वैल्यू इंफिनिटी की बात करता है, कहीं कहीं पे हमसे टेन थीटा की वैल्यू सर नॉट डिफाइंड की बात करता है। देखो हम अगर यहां पे जस्ट बात करते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, जब जब हमसे यहां से 1090 दिया होता है, जब जब हमसे यहां से, I'm sorry, आपको विजिबल नहीं होगा ये, जब जब आपको यहां से 10 ऑफ पाई बाई 2 दिया होता है, तो 10 पाई बाई 2 की वैल्यू आपको हमेशा जब भी आप देखेंगे तो ये हमेशा नॉट डिफाइंड देता है, 10 पाई बाई 2 की वैल्यू हमेशा हमेशा आपको यहां से नॉट डिफाइंड देता है। देखो जैसे आप यहां से जस्ट बात करते हैं नॉट, यहां से तो ये वैल्यू आपको यहां पे पाई बाई 2 पे डिफाइंड ही नहीं दिखती है, हालांकि आप लेके चलते हैं दैट इज ओके, तो यहां पे जब जब आप जाते हैं तो आपको ये वैल्यू कभी भी डिफाइंड ही नहीं मिलती है, कर्व कभी इसको टच ही नहीं करता है, चाहे वो पाई बाई 2 की बात करें, चाहे वो माइनस पाई बाई 3 की, है ना, ठीक है, नॉट इक्वल। अब हमने यहां से जस्ट बोला कि अगर वो पाई बाई 2 ना लेते, लेट सपोज कोई और वैल्यू ले रहा है, पाई बाई 2 ना लेके उसने बोला कि सर मैं 10 की वैल्यू कुछ ले रहा हूं 89.99 कुछ ऐसी वैल्यू ले रहा हूं। अगर मेरे बच्चे जब हम 89.99 की वैल्यू ले गए, पेन चेंज कर लेता हूं, तो वो कहीं ना कहीं इधर आ जाएगा, कहीं ना कहीं इधर आएगा 89.9, और 89.9 जब हम ऐसे चलते चले जाएंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, तब हम इसको बोलते हैं इंफिनिटी, ठीक है? तब हम यहां से जस्ट बोल देते हैं इंफिनिटी। कहीं पे भी अगर आपको कंफ्यूज हो कि नहीं सर हम लेके चलते हैं दैट इज ओके, मैंने बोला कि अगर 10 पाई बाई 2 के कुछ भी इधर बात करेगा तो हमारे पास यहां से इंफिनिटी मिलती है, चाहे वो इस साइड की बात करे, चाहे वो यहां से बात कर ले, यहां से भी आप देखेंगे तो ये इंफिनिटी वैल्यू मिलेगी, जाके पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं मिलेगा, पाई बाई 2 पे आपको डिफाइंड
नहीं मिलेगा। जहां पे भी आपसे पाई बाई टू की बात करेगा तो पाई बाई टू प्लस और पाई बाई टू माइनस पे ये डिफाइंड नहीं मिलेगा। तो 10 पाई बाई टू की आप लोग वैल्यू लेके चलते हैं, दैट इज यहां से जस्ट देखते हैं कि हाँ सर 10 पाई बाई टू की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, इंफिनिटी हम रखते हैं, वो 10 पाई बाई टू से थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर, अनडिफाइंड लिख देते हैं, दैट इज ओके, अनडिफाइंड लिख देते हैं, दैट इज ओके, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा, विजिबल है ना आप लोगों को, मुझे थोड़ा सा अजीब सा ब्लर सा दिख रहा है, तो आपको जस्ट विजिबल होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास ये फंक्शन है, एक हमारे पास ये फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंस टू वन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे जल्दी से बताइए, यहां से हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स है, मुझे इसकी वैल्यू जल्दी से बताइए, जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसकी वैल्यू बताइए प्लीज, सब सारे के सारे लोग, एक मिनट में आंसर आना चाहिए, देख के आंसर बता देना चाहिए, देख के आंसर आ जाना चाहिए कि सर हाँ अरे क्या बात करना चाह रहे हो, क्या बात करना चाह रहे हो। कितना आएगा, कितना आएगा अगर हम यहां से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू वन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइड बाई x, आप यहां से बोलोगे सर यस लेफ्ट हैंड लिमिट बता दो ना, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा जीरो माइनस में बात करोगे, यहां से वन माइनस में बात करोगे और वन माइनस बेटा यहां से कितना आ जाएगा 0.9999, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा और यहां से आ जाएगा 0.9999 और ये आ जाएगा 0 बाय, यहां से इसका वैल्यू 0 बाय 0.99999। अच्छा यहां से राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट आपके पास 1 प्लस आएगा और 1 प्लस बेटा आप यहां से 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1.0000001 और डिवाइडेड बाई आपके पास यहां से 1.0000001 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप यहां से बोलेंगे सर डज नॉट एक्सिस्ट, क्या सर कैसी कैसी बातें पूछ रहे हैं, डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है, है? कोई सर कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ कोई वैल्यू आती है क्या, हाँ 85 होता तो कोई वैल्यू आती, डेफिनेटली आती, देखो ना 85 होता तो कोई ना कोई वैल्यू आती ना, ये 1085 की वैल्यू डालो कैलकुलेटर में, पेन नहीं चल रहा है ना, 85 होता तो आपके पास ये रहा पाई बाई टू, पाई बाई टू से कम ये वैल्यू कुछ आती, डेफिनेटली आती, ठीक है, डेफिनेटली ये वैल्यू आती। तो ये बेटा हमने यहां से जस्ट देखा। अच्छा अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ऑफ, यहां से दिखा रहा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ऑफ यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की बात करेंगे तो जीरो माइनस पे चेक करो दैट इज एलएचएन, और एलएचएन को बात करोगे तो बेटा यहां से जीरो पॉइंट, यहां से कितना आ जाएगा नाइन, सॉरी आपके पास यहां से जीरो माइनस है तो बेटा आपके पास जीरो माइनस कितना आ जाएगा बताइए, जीरो माइनस की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, माइनस इस साइड चले जाएंगे हम, माइनस इस साइड चले जाएंगे तो माइनस ऑफ जीरो पॉइंट कितना आ जाएगा बेटे 0000001 ऐसे कुछ आएगा, और ऑलमोस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ऑलमोस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, आप यहां से जस्ट बोलेंगे सर ऑलमोस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, और अगर जीरो प्लस पे चले गए बेटा यहां से जीरो प्लस पे चले गए मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी जल्दी से बताओ, जल्दी से एक मिनट में बता दिया करो आंसर, एक मिनट में बता दिया करो कि सर हमारे पास ये जो वैल्यू है वो यहां से इतना मिल रहा तो हम यहां से लिख सकते हैं साइन इनवर्स जीरो, सॉरी साइन जीरो की वैल्यू, और साइन जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जीरो, अगर मैं यहां से जीरो प्लस पे चलूंगा, जीरो प्लस पे चलूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा जल्दी से बताना जरा, जीरो प्लस पे जाऊंगा तो कितना आएगा, पेन ही नहीं चल रहा, यहां से 0.00001 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो और वन, नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं आ रहा मोनिका बताओ ना, बताओ ना क्या नहीं समझ में आ रहा, बताओ ना क्या नहीं समझ में आ रहा, पिछला वाला आ गया था, पिछला वाला आ गया था क्या, देखो ऐसे देखो, ऐसे देखो आप यहां खड़े हो ये जीरो, जीरो माइनस आप इधर आओगे पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री एंड सो वन,
जीरो इधर जाओगे 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से LHL नहीं समझे तो मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, अच्छा इस साइड जीरो माइनस की बात कर रहे हो ना, तो इसी साइड तो चेक करोगे, जीरो माइनस की जब बात करोगे तो इसी साइड तो चेक करोगे। एक्स का बात कर रहा हूं, एक्स का बात कर रहा हूं, अगर आप यहां से फंक्शन देख पा रहे हो, चलो ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, एक मिनट ग्राफ से दिखा दो, ग्राफ से दिखा दो, एक मिनट में आ जाएगा सब कुछ, ग्राफ से दिखाता हूं, एक मिनट में समझ में आएगा। साइन एक्स का ग्राफ जानते हो क्या? देखो यार, हेलो छोड़ो सर, ग्राफ से दिखा देता हूं। साइन एक्स का ग्राफ जानते हो? सुनो 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 सुनो, एक मिनट रुकना। मैंने बोला कि सर साइन एक्स का ग्राफ मैं जानता हूं, बस आप ग्राफ दिखाओ मुझे एक बार, मुझे बस ग्राफ दिखाओ कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे जाना है। ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ बेटा, जब आप खींचोगे तो क्या ऐसे कुछ जाता है साइन एक्स का ग्राफ? यही है, साइन एक्स का ग्राफ हमारा कुछ ऐसे ही जाता है। अच्छा बेटा, अगर हम यहां से साइन एक्स का ग्राफ खींचना शुरू करेंगे तो मेरे पास ये साइन एक्स का ग्राफ कैसे आएगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? मुझे पहले ये बता दो, मुझे बस इतना बता दो कि हाँ मैं ऐसे लिख अच्छा सॉरी, मैं कुछ और करने जा रहा था, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का बनाना शुरू कर दिया था। एक मिनट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो -1 होगी, हम यहां से जस्ट बेटा बात कर रहे थे। हाँ ये देख लीजिए, आई एम सॉरी, मैं कुछ और बता गया। ये मेरे पास जीरो है, जीरो के बाद बेटा हमारे पास 0.1, 0.2, 0.3, इज दैट क्लियर? ये मेरे पास माइनस ऑफ 0.1, ये माइनस ऑफ 0.2, यहां से 0.3, मुझे बस इतना बता दो कि मैं यहां से 0 प्लस पे चेक कर रहा हूं, 0 प्लस पे मैं यहां से 0.00001 लिख सकता हूं, क्या ये मेरे पास 0 आ जाएगा? मैं यहां से 0 माइनस पे लिख रहा हूं तो 0 माइनस पे मेरे पास कितना आएगा? 0 माइनस पे मेरे पास ये जो आएगा वो माइनस ऑफ 0.1 आ जाएगा, और इसके जब हम इधर जाएंगे तो जो लीस्ट इंटीजर आएगा वो कितना आएगा? -1 आएगा, लीस्ट इंटीजर आएगा वो -1 आएगा। दिस विल बी नथिंग, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, और दिस विल बी नथिंग, दिस इज राइट हैंड लिमिट। अभी मैं ग्राफ से बता रहा हूं, ठीक है, यहां से ये हम इस साइड जा रहे हैं बच्चे, इस साइड जा रहे हैं तो ये लीस्ट इंटीजर -1, इस साइड जा रहे हैं तो सर लीस्ट इंटीजर आपका कितना है? 0 है। अब हम यहां से जस्ट पुट कर दें कि अगर हम साइन 0 की बेटा बात करेंगे, एक हमारे पास यहां से साइन 0 आ जाएगा, एक हमारे पास यहां से साइन 1 की वैल्यू आ जाएगी, सर हमारी लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट रहेगी। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अभी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगर हम यहां से इस टाइप का फंक्शन ना लेके कुछ इस टाइप का फंक्शन ले लेते, एक और ऐसा ही फंक्शन ले लेते, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कहां पे बताऊं, एक्स टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, अगर ऐसा फंक्शन आता तब क्या करते? हाँ बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, मैं जस्ट इसका पूरा इसका बनाना शुरू कर दिया था। मुझे अगर इस टाइप से मिल जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, तो इसको हम कैसे समझ सकते? हमने यहां से बोला कि सर देखो ऐसा आ जाएगा, मैं हटा रहा हूं जरा इसको ना, मैं हटा रहा हूं बेटा इसको, I'm sorry यार, मैं एकदम से दूसरा लिख गया तो मुझे एकदम से अजीब लगा, क्या लिख गया, बट कोई बात नहीं। इधर देखो, अगर बेटा हम इसको यहां से जस्ट देखते हैं, तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा जाएगा? ये लो, ऐसे ही जाएगा कुछ, क्लियर है ये ग्राफ? अगर इस ग्राफ में मैं जीरो प्लस देखता हूं, पेन चेंज कर, अगर इस ग्राफ में मैं जीरो प्लस देखता हूं, ये रहा जीरो प्लस, ठीक है, ये रहा जीरो प्लस, और अगर मैं जीरो माइनस देखता हूं, ये रहा जीरो माइनस, ये रहा जीरो माइनस। जीरो प्लस पे बेटा जो वैल्यू मिलने वाली है वो कुछ ये वैल्यू मिलने वाली है, ये वाली वैल्यू मिलने वाली है, और जीरो प्लस पे जो वैल्यू मिलने वाली है, जीरो प्लस पे कुछ इस टाइप की वैल्यू मिलने वाली है। कहना इसे कि इधर जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस वन मिलेगी, और इधर जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस वन मिलेगी। क्या मैं ये लिख सकता हूं? अच्छा नहीं समझा, कौन सा नहीं समझे, पिछला वाला, ये वाला, एक मिनट पहले इसको समझाता हूं, फिर आता हूं, दो मिनट रुक जाओ, अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा, बस एक मिनट रुको। मैं क्या कह रहा हूं, जीरो माइनस हम जब चल रहे हैं तो मैंने ग्राफ बोला सर ये ऐसे आ जाएगा, क्या ये सही है?
एक मिनट पहले मैं इसको कर देता हूँ, है ना, नहीं तो फिर बच्चे एकदम से शुरू हो रहे, सर ये कैसे हो गया, ये सर कैसे हो गया, आप तो एकदम से सर कुछ और बता दिए। रुको रुको एक मिनट को, हमारे पास बेटा एक ग्राफ ये है, इसको जरा समझो यहां से, एक मिनट बस इसको समझो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पूछ रहा है, और बस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स समझना। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप पहले जीरो को समझो यहां से, कि जीरो हमारा कहां लाई करेगा। पहले इधर देखो सारे के सारे। हमने यहां से बोला कि सर हम एक लाइन पे खड़े हो जाते हैं, बहुत आराम से समझना। ये मेरे पास जो वैल्यू है वो जीरो है, एक बार में समझ लेना, बस सुनो। हमने बोला जीरो प्लस पे जब जाएंगे तो इधर की तरफ चलेंगे, क्या ये सही है? यस सही है। जीरो से लेके वन के बीच में, जीरो से लेके वन के बीच में यहां से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, जीरो से लेके वन के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो जीरो आएगा। इज दैट क्लियर? अगर हम इधर की तरफ चलेंगे मेरे बच्चे, इधर की तरफ चलेंगे तो हम कुछ इस साइड आएंगे और यहां तक आएंगे हम माइनस वन। अगर हम यहां पे जीरो से लेके माइनस वन के बीच में कोई भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, जीरो टू माइनस वन के बीच में जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो बेटा कितना आएगा? माइनस वन ही तो आएगा। इधर इधर देख लो, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। किसी को दिख नहीं रहा है? कोई बच्चा बोला कि सर एकदम से ये कैसे हो गया, वो मुझे बता दो। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? मैं यहां पे खड़ा हूं जीरो पे, मैं जीरो प्लस जाना चाह रहा हूं। जीरो प्लस पे अगर हम यहां से देखेंगे तो बेटा यही तो आएगा, यहां से ये जीरो ही आएगा ना। हाँ, एक को इंक्लूड नहीं करना, हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए इसका, हमें जीरो का। अगर मेरे बच्चे हम यहां से जीरो से इस साइड चले यहां तक, इस पॉइंट तक मैं बोल रहा हूं वन तक हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो सर जीरो है, और यहां से लेके यहां तक जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो माइनस वन है। क्या इसमें कोई इश्यू है आपको? क्या इसमें कोई इश्यू है? मुझे नहीं लग रहा किसी को इश्यू होगा। और अगर हम यहां से जस्ट बेटा इसका साइन देखना चाहें तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सर साइन ऑफ हमारे पास यहां से जीरो मिल जाएगा, और यहां से अगर हम बात करेंगे तो साइन ऑफ माइनस वन मिल जाएगा। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नहीं एग्जिस्ट करेगी, खत्म। मत जीरो प्लस पे वन नहीं होगा, जीरो प्लस पे वन नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है आप यहां से जैसे 1.100002 कुछ भी लेके चल रहे, तो मतलब लीस्ट इंटीजर की हम लोग बात करते हैं, जो लीस्ट इंटीजर है। ऐसा नहीं कि हम इसको अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ऐसा सोच रहे, आप ऐसा अगर सोच रहे जीरो टू प्लस वन पे वन नहीं होगा। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन आपको मैंने बताए तो थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन मैंने आपको बताए तो थे। एक मिनट रुको, कल ही तो मैंने बताया था, अब यहां पर तो होगा नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे? एक मिनट रुक जाओ, अभी मैंने कल ही तो बताए थे, शायद मैं किसी में क्वेश्चन में डाल के भी लाया हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन, इसमें नहीं। ठीक है, अभी बताता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब देखो, फ्रैक्शनल और दो चीजें मैंने कल बताई थी, नहीं समझ में आ रही तो मैं फिर से बताता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चे एक मिनट में बस ध्यान सुनना, आप गलती कर जाते हो। ये लोग पहले इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ देख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर का, मेरे ख्याल से इससे मैं आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इधर आप यहां से अगर ग्राफ समझ सकते हो तो ग्राफ से आपको दो मिनट में क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपके पास ग्राफ, देखो जरा सी बात में हवा में एकदम से चले जाते हैं, सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया, और लिखने के बाद फिर सब कंफ्यूज आते हैं। अब मेरी बात सुनो यहां से, कितने बच्चे मुझे बस ये बता सकते हैं कि जीरो से वन के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो तो आ रही है। और कितने लोग मुझे ये बता सकते हैं कि जीरो से लेके माइनस वन के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन आ रहा है वो यहां से माइनस वन आ रहा है? क्या इतनी बात आप नहीं समझ पा रहे? ये देखो जीरो एंड माइनस वन, यही तो बताया था। यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब उसका जो लीस्ट इंटीजर आ रहा है बस वही लेना है, तभी तो ग्रेटेस्ट की बात करें भाई, उससे बड़ा इंटीजर है ही नहीं।
तो बस हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब इसमें क्या ही है सर, ग्राफ से क्लियर। हाँ ग्राफ ऐसे होते हैं ना कि ग्राफ देखते ही एकदम से सारे सब कुछ एकदम से बढ़िया खतरनाक तरीके से समझ में आ जाता है। क्लियर। आप यहां से माइनस टू से थ्री करेंगे तो माइनस थ्री है, माइनस थ्री से फोर करेंगे तो माइनस फोर है, ऐसे यहां पर बढ़ता हुआ जाएगा। दैट्स इट, फिनिश। ठीक है बच्चे, चले आगे। हाँ कोई कंफ्यूजन रखना मत प्लीज, ऐसा मत करना कि नहीं सर मैं कंफ्यूज हो गया। और अगर हो तो आप एक बार नहीं दस बार नहीं, जितने बार आपको समझ में नहीं आता है उतने बार। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट देख लो, फ्रैक्शनल पार्ट में कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होना, कभी कंफ्यूज नहीं होना। फ्रैक्शनल पार्ट के फंक्शन की वैल्यू हमेशा जीरो से वन के बीच में ही लाई करती है, हमेशा जीरो से वन के बीच में। आप जीरो से वन के, जैसे उसने बोला कि टू पॉइंट, यहां से टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री, तो इसकी वैल्यू यही है फ्रैक्शनल पार्ट की 9.292, तो यही तो है फ्रैक्शनल पार्ट। ये हमेशा वन या हमेशा हमेशा जीरो से लेके वन के बीच में लाई करता है, हमेशा जीरो से वन। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हो गया। साइन एक्स वाला बता देते हैं, ठीक है। अब हम साइन एक्स वाला बता देते हैं, मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट क्लियर होगा, तो अब साइन एक्स वाला कर लेते हैं। ये वाला पार्ट हो गया, कहां गया मेरा पार्ट, ये। अब मेरा साइन एक्स वाला पार्ट बेटा बचा है। मैंने बोला कि सर साइन एक्स वाला और एक बार बता देते तो मैं यहां से कर लेता। हम दो तरीके से कर सकते हैं सर, हम या तो ग्राफ से कर ले या फिर हम यहां से एनालिटिकल डायरेक्टली इसको कर ले, ठीक है। हाँ वन से टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन होगा, ठीक है। टू से थ्री का थ्री होगा, है ना। अब जैसे अब ऐसा मत करना कि घर में मैं और पापा हूं तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर हूं, है ना। पापा को समझ में तो आएगा नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर वो मतलब इंजीनियर है या उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा तब तो समझ जाएंगे। और मान लो पापा ने कुछ दूसरे बैकग्राउंड से और तुमने बता दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब मैं मुझ में और आप में, मैं हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो पापा तुम समझ लो फिर क्या होने वाला है। पापा तुमको समझाएंगे, तुमको बताता हूं कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, है ना। तो घर में मत करना ये सब काम, घर में मत करना कि हाँ जो छोटा होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। सुनो बच्चे, हाँ अभी 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 यहां से इधर इधर सुनो। अब हम बेटा यहां से जस्ट बात कर रहे हैं सर, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे दो तरीके से कर सकते हैं सर, हमने यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की बात करनी। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की बात करूंगा तो मैं दो तरीके से इसको कर सकता हूं सर, एक तो हम जीरो माइनस पे कर सकते हैं और एक हम जीरो प्लस पे कर सकते हैं। देखो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं ना, मैंने यहां से जस्ट बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की बात कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात करेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट पे बेटा हमारे पास यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन कितना आ जाएगा बेटा, यहां से देखो जीरो आ जाएगा, यहां से जीरो आ जाएगा और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली बेटा मैं लीस्ट इंटीजर यहां से, और अगर हम यहां से आरएचएस की बेटा बात करेंगे, आरएचएस की बात करेंगे तो ये हमारे पास यहां से आरएचएस आरएचएल आ जाएगा, और ये हमारे पास यहां से साइन ऑफ कितना आ जाएगा बेटा, यहां से सुनो ये जीरो नहीं होगा, ये कितना होगा, देखो मैं फिर से गलत लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या कर रहे हो, है ना। ये बेटा हमारे पास यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट है, और लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमें पता है अच्छे से हम जीरो नेगेटिव पे बात कर रहे हैं, और जीरो नेगेटिव पे कितना आएगा, माइनस वन आएगा, ठीक है। जीरो नेगेटिव पे कितना आएगा, माइनस वन आएगा, है ना। और यहां से जब हम बात करेंगे तो जीरो पॉजिटिव पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और हमें यहां से दिख जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां से जस्ट देखना चाहेंगे तो हम देख सकते हैं व्हाट एवर द वैल्यू। अब आप बोलोगे कि सर ये जीरो क्यों रखा, ये जीरो क्यों रखा, ये जीरो होगा नहीं एक्चुअल में, क्या होगा। अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं देख रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो, अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ा देख रहे हो। अब आप यहां से 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 आप जो गलती करने वाले हो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि सर अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं देख रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पूरे का लगाओ तो फिर यहां पे हटाओ इसको सबको, ये क्या कर रहे हो। ये हम कुछ नहीं कर रहे, हमने बोला कि देखो ऐसा कर सकते हैं, अगर हम जीरो प्लस पे बात करेंगे तो प्लस का 0.1 आ जाएगा, और अगर जीरो माइनस पे बात करेंगे तो यहां से ये वाला बेटा, ये वाला माइनस का 0.1 आ जाएगा, माइनस का 0.1 आएगा, समझ रहे बेटा। हमने यहां से बोला माइनस का 0.1 आएगा और प्लस का 0.1 आएगा। अब इसके बेसिस पे जो वैल्यू आएगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, इसके बेसिस पे जो भी वैल्यू आएगी सर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम यहां से दिखा देंगे। दैट्स इट, फिनिश, है ना, खत्म, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका क्या हुआ कि हम इसको ग्राफ से देख लें। हमने यहां से बोला कि सर हम इसको ग्राफ से देख लेते हैं, कहानी हमें समझ में आ जाती, ठीक है। हमें यहां से जस्ट दिखती साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है, और साइन यहां से जस्ट ये वाली वैल्यू, है ना। हाँ
हाँ, ट्वेल्थ में ही पढ़ते हैं भैया मैथमेटिक्स, आपका इंजीनियरिंग का जो मैथमेटिक्स है वो इतना ज्यादा टफ नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, जस्ट अप्लीकेशन वाला पार्ट आ जाता है, पूरा ट्वेल्थ का ही है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हाँ ट्वेल्थ की याद आ गई। अभी हमने इसमें जस्ट देखा कि सर हमारा यहां से साइन जीरो की वैल्यू जीरो और चलता जाता साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आती, वन आती। साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आती हमारे पास, वन आती। अच्छा इधर चलते हैं, साइन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आती, माइनस वन आती। उल्टा कर दिया क्या, है ना, है ना, उल्टा कर दिया सर। बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने उल्टा कर दिया, है ना, तो अच्छा हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है हम ऐसे कर देते हैं। अच्छा ये बताओ जरा, यहां से ये वाला ग्राफ है क्या, ठीक है ये वाला ग्राफ है क्या, जल्दी से बताना मुझे ये वाला ग्राफ है क्या। हम जस्ट बेटा बात कर रहे हैं साइन पाई बाई टू की वैल्यू बता दो कितनी आ रही, साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप यहां से ध्यान है तो आपको पता है कि वन होती, ठीक है आपको पता है कि वन होती। चलो इधर से देखो, अब हम यहां से जब ग्राफ को देखेंगे, तो आपको बस दो चीजों पर चेक करना है, जीरो प्लस पे और जीरो माइनस पे, आपको जीरो प्लस पे और जीरो माइनस पे चेक करना है। अगर अरे अरे रुको रुको इधर देखो, इधर देखो, अगर हम जीरो प्लस पे और जीरो माइनस पे चेक करते हैं तो मैंने बोला कि जीरो प्लस इधर चलेगा, जीरो माइनस इधर चलेगा, ठीक है। अगर जीरो प्लस की बात करेंगे तो यहां कट करेंगे जाके, ये वैल्यू मिलेगी, दिख रहा हो तो। जीरो माइनस की बात करेंगे, हाँ पहला ही वाला है मुझे पता है, जिन लोग नहीं 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 इधर देखो, इधर देखो तुम, इधर देखो LHI LHL और RHL वाला बेटा ये लिख दिया है ना, इधर देखो, और जीरो माइनस वाली जो वैल्यू है वो ये कहीं लाई करेगी, ये कहीं लाई करेगी। लेट सपोज बेटा हमने यहां से, ये जो पॉइंट ले लिया, ये हमारे पास यहां से जो पॉइंट आया वो प्लस का वन आया और ये जो पॉइंट आ गया वो माइनस वन आ गया, माइनस वन आ गया। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं इस वाले, सर ये वाला ग्राफ है मेरा, ये वाला ग्राफ देखोगे तो इस करा लो, ये वाला प्लस वन, ये वाला माइनस वन, ठीक है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में कभी भी आपकी लिमिट जो है इंटीजर के केस में, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में आपकी जो लिमिट है वो कभी भी यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप यहां से जस्ट दोनों साइड से देख लीजिए, है ना, दोनों साइड से देख लीजिए, किसी भी साइड से देख, किसी भी साइड से देख लीजिए, कहीं पे भी चेक करें, अच्छा। अब मैं पहले इन लोगों को देख लेता हूं, सर लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस 0.1, मैं उल्टा लिख दूं क्या, हाँ ठीक है, ये लो ठीक, सर आपने फिर से उल्टा लिख दिया, बताइए बताइए बताइए, ये हमने यहां से जस्ट बस एक ही वर्ड चेंज कर दिया, बाकी मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। राइट हैंड लिमिट बेटा हमारी इस साइड थी तो प्लस का, लेफ्ट हैंड लिमिट इस साइड की थी तो इसका, ठीक है ठीक है। अब हमने यहां से जस्ट फिर से देखना शुरू, अब बच्चा कंफ्यूज है कि सर जीरो और माइनस वन होगा, देखो जिनका बच्चा जिनका यहां से ग्राफ उल्टा नहीं बनाया, बेटा हमने एक ग्राफ बनाया था, ठीक है, और उस ग्राफ से मैं आपको समझा रहा था, दैट्स इट, आप यहां से ग्राफ उठाइए साइन का, और साइन का ग्राफ यहां से कहीं से भी पास कराइए, है ना, आप यहां से ओरिजिन पे जब जाएंगे तो आप यहां पे जीरो जीरो प्लस पे चले जाएंगे, जीरो प्लस पे आपके पास ये रहा, बहुत ध्यान से देख लीजिए, जीरो प्लस पे आपके पास ये रहा और जीरो माइनस पे आपके पास ये रहा, ठीक है। जीरो माइनस पे आएंगे तो ये यहां से आपके पास माइनस का वन आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा और ये आपके पास प्लस वन आ जाएगा, बस खत्म। क्या कंफ्यूज होते यार, अब एक कंफ्यूजन हमेशा जस्ट रहता है कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा हमेशा आपका डज नॉट एग्जिस्ट आता है, क्या कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि सर हमें एग्जिस्ट मिल जाए, क्या ऐसी कंडीशन कभी आ सकती है कि हमें एग्जिस्ट मिल जाए। अब चलो यहां से ये दोनों के दोनों पॉइंट है मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, और अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझे बताना, मुझे जरा इसका बताए, यहां से एक ये क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, कोई बच्चा मुझे इसका आंसर बता सकता है कि सर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, कोई बच्चा मुझे इसका बता सकता है,
यहां से लिमिट है, हाँ माइनस साइन एक्स होगा वो अपना लिख लेना है ना, मैंने यहीं पे बेटा माइनस के साथ लिख दिया, सॉरी इधर से मैंने यहीं पे माइनस के साथ लिख दिया है, तो आप उसको लिख लेना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना, आप इसको लिख ले। देखो यहां से माइनस के साथ लिख लिया, मैंने आगे कुछ नहीं लिखा है ना, बाकी आपका काम है करना, बाकी आपका काम है करना, ठीक है। एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, अभी हम आते हैं शीट में भी तो कुछ देंगे। अबे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का लेना था, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लेना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अरे यार मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने ट्वेल्थ बिल्कुल नहीं पढ़ा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल मैंने ट्वेल्थ नहीं पढ़ा। इलेवेंथ वाला बच्चा ये चीज समझ जाएगा कि हमें यहां पे ये था, यहां पे इसका है, इसका है, तो हम एक्स की वैल्यू डालेंगे ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो डालेंगे ना, हम बेटा यहां पे साइन जीरो डालेंगे ना, एक में हम यहां से साइन जीरो नेगेटिव डालेंगे और साइन जीरो प्लस डालेंगे, इसमें हम साइन जीरो नेगेटिव डालेंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे ना, समझो ना इस बात को। क्या नाम था है ना, निखिल अवस्थी, प्लीज प्लीज इसको समझो ना, कोई चीज में अगर प्लीज डाउट आ रहा है तो बेफिक्र होकर पूछो, लेकिन मतलब जरा जरा सी चीज में अगर वही बार बार डाउट आएगा तो गलत हो जाएगा है ना, अगर वही डाउट बार बार आएगा तो गलत होगा है ना। सेम चीज बार बार मैं समझा रहा हूं, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इस पे लगा हुआ है, एक्स पे नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर एक्स पे होता तो हम कर देते डेफिनेटली। इस पे बताइए क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहां से टेन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की बात कर रहे हैं, टेन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की बात कर रहा है, कॉस का ग्राफ कैसे जाता है, कॉस का ग्राफ कैसे जाता है, कॉस का ग्राफ कैसे जाता है, कुछ ऐसे ही जाता है, कुछ ऐसे ही जाता है, एग्जिस्ट कर रहा है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। यहां से बेटा ये जीरो है, जीरो पे आप देख लो, यहां से आपको जस्ट पाई बाई टू दिख जाता है कुछ इस टाइप से, ठीक है, यहां सॉरी जीरो पे आपका यहां से वन और यहां से पाई बाई टू पे आपका जीरो, कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ जाता है। अब हमने यहां से बोला कि सर किस किस पे बात कर रहा है, एक्सटेंस टू पाई बाई टू पे बात कर रहा है, पाई बाई टू पे बात कर रहा है, क्या पाई बाई टू पे अगर आप यहां से पाई बाई टू प्लस देखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, पाई बाई टू यहां से माइनस देखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, पाई बाई टू प्लस देखेंगे तो बेटा ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी, ये फंक्शन मिलेगा और ये फंक्शन मिलेगा, क्या एग्जिस्ट करेगी, क्या एग्जिस्ट करेगी बच्चे, अगर आप प्लस माइनस दोनों देख पा रहे हैं क्या ये एग्जिस्ट करेगी, अगर आप ग्राफ से देख पा रहे हैं, अगर आप ग्राफ से देख पा रहे हैं पाई बाई टू प्लस पे बेटा यहां से माइनस पे ये वैल्यू मिल रही है, पाई बाई टू प्लस पे आपकी ये वैल्यू मिल रही है, पाई बाई टू प्लस पे आपकी ये वैल्यू मिल रही है, क्या एग्जिस्ट करेगी, नॉट एग्जिस्ट, खत्म बात, क्या ही सोचना सर, करेगी एग्जिस्ट, कुछ बच्चे बोले करेगी एग्जिस्ट, कैसे करेगी, कैसे करेगी, अब आप सोच रहे होगे कि सर नहीं ऐसे क्यों कर रहे हो, आप मुझे वैसे बताओ ना जैसे बताते हो, ये तो आपने ग्राफ से दो मिनट में बता दिया कि सर ग्राफ है, आपने इस ग्राफ पे देखा कि इसके कहीं पे भी देख लो सर, यहां से कहीं से भी देख लो, ये ग्राफ गया, इस ग्राफ के इस साइड देख लिया और इस साइड देख लिया, इस साइड फंक्शन ये जा रहा है, इस साइड फंक्शन ये जा रहा है, कैसे एग्जिस्ट कर जाएगी यार, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो तो बात की बात है सर, कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी हमने यहां से जस्ट आगे देखना शुरू किया, अभी हमने यहां से आगे देखना शुरू किया, चलो हमने यहां से जैसे इधर देखा तो ये वाला बेटा माइनस में, अगर हम यहां से माइनस की बात करेंगे तो माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, दैट्स इट फिनिश। अब मैं यहां से जस्ट बात करता हूं सर, मैं एनालिटिकल मेथड लेना चाह रहा हूं, तो एनालिटिकल मेथड हम यहां से जस्ट देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स हमारे पास यहां से बेटा cos x है और यहां से टेन इनवर्स cos x को हमें देखना है। मैंने यहां से जस्ट देखा कि सर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना था, वो देख लेते हैं, अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना था तो मैं जस्ट यहां से cos पाई बाई टू डालूंगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा और लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं टेन इनवर्स cos ऑफ पाई बाई टू डालूंगा, cos ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू जो भी आएगी उसको लिखेंगे, कितनी वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास यहां से, सिमिलरली हम यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे और ये हमारे पास यहां से tan इनवर्स, यहां से cos ऑफ बेटा हमारे पास पाई बाई टू प्लस और पाई बाई टू माइनस दो चीजें आएंगी, एक हमारे पास पाई बाई टू प्लस और पाई बाई टू माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा हमारे पास पाई बाई टू माइनस आएगा, पाई बाई टू माइनस, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास यहां से cos ऑफ पाई बाई टू प्लस आएगा, पाई बाई टू प्लस आएगा, मुझे जरा दोनों बता दीजिए, हाँ 89.99 एंड 90.001 बिल्कुल सही है, 89.99 एंड 90.001 मुझे जल्दी से बताएं
कि जब हम यहां से बेटा बात करेंगे तो पाई बाई टू माइनस की बात कर रहा है, पाई बाई टू हमारे पास माइनस की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं इधर से बात कर रहा होगा, कहीं ना कहीं हमारा इधर पे बात कर रहा होगा, पाई बाई टू माइनस पे इधर आ रहा होगा। थोड़ा सा ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर आ रहा होगा, इधर वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो नियरेस्ट बिल्कुल आ गई, बिल्कुल नियरेस्ट आ गई किसके, जीरो के। तो ये हमारे पास बेटा टेन इनवर्स बन जाएगा कितना, टेन इनवर्स बन जाएगा जीरो। बताना मुझे कि हाँ सर कुछ गलती हो रही है या आप सही कर रहे हैं, गलत तो नहीं लिख रहे। ये हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा जीरो। ये वाली वैल्यू अगर आप यहां से देखोगे तो ये आपके पास माइनस की वैल्यू बन जाएगी। देखो ध्यान से, यहां से अगर आप यहां से पाई बाई टू प्लस पे देखोगे तो टेन इनवर्स आपके पास यहां से बेटा ऑलमोस्ट कितना जाएगा, लगभग लगभग जीरो पॉइंट, इसका प्लस वाला जो है वो कितना जाएगा, माइनस ऑफ बना जाएगा, माइनस ऑफ बना जाएगा, माइनस ऑफ बन आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ बन आएगा। और अगर माइनस ऑफ वन आएगा, माइनस ऑफ 0.1, माइनस ऑफ 0.1 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बस मुझे इतना बता दीजिए, माइनस ऑफ जीरो, यस सर जीरो आया। मुझे अब यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा मैं फिर से लिख दिया, देखो क्या है, हाँ चलो, माइनस ऑफ 0.1 सर ये हमारे पास कितना आया, मैंने जस्ट बोला कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस ये रहा, और ये माइनस मैंने यहां से जस्ट ले लिया कि सर कुछ इस टाइप से आ रहा है 0.1, या माइनस 0.1 छोड़ो सर, हम 1 और माइनस 1 ले लेते हैं, यहां से जीरो आया, ये वैल्यू कितनी आएगी, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अभी तक हमारे पास जितने भी केसेस मिले, हमने यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर का केस जब भी लिया है तो सर हमें यहां से जो लिमिट मिली है वो डज नॉट एग्जिस्ट मिली है। आप चाहे ग्राफ से देख लें, चाहे आपसे एनालिटिकल मेथड देख लें। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है अभी यहां पे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट हो गया फिर कैसा प्रैक्टिस, बाकी मैं आपको सीट दूंगा, सीट से करना। नेक्स्ट है बेटा लिमिट फंक्शन ऑफ, यहां से fx जो दिया है, x is equal to 0 sin inverse sec x बोला उसने, fx is equal to 0 sin inverse sec x बोला है, लिमिट x tends to 0 sin inverse of sec x बोला है। बताना बच्चों मेरे, बताना साइन इनवर्स सेक एक्स बताइए, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल जीरो है जो हम इलेवेंथ में पढ़ते हैं, ये बिल्कुल जीरो है, माइनस पाई बाई फोर, आदर्श ने बता दिया, यस बेटा। तो साइन इनवर्स सेक एक्स कितना आएगा, बस मुझे ये बता दो, हमेशा इंटीजर, अरे अभी हमने कहा उसका इंटीजर, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बार बार, अभी हमने यहां पे बेटा इसको देखा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना, देखो यहां से देखो, अरे सर बीच में क्यों करते हो ऐसा, देखो ध्यान से देखो, अभी हमने कुछ नहीं किया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, मैंने लिमिट आगे बढ़ाई क्या, यहां से देखो इसका जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, टेन जीरो आ जाएगा, क्या ये, क्या ये टेन जीरो आ जाएगा, और टेन जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। ये टेन इनवर्स यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ 0.1, और माइनस ऑफ 0.1 बेटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस 1 आ जाएगा, टेन इनवर्स माइनस 1 कितना आएगा, माइनस ऑफ पाई बाई 4 आएगा, क्या बस हो गया खत्म। मैं सोच रहा हूं कि शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया हो, बट अगर आइडिया नहीं है तो मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना कि नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं आइडिया है ना, थोड़ा बहुत आइडिया करो, मतलब और आइडिया नहीं है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सोचो कि मैंने क्या किया है, थोड़ा सोचो मैंने क्या किया है, ब्रैकेट नहीं देख पाए, क्लियर हो गया, चलो ओके ओके, हाँ बस होता है ना, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं ना कि हम लोग थोड़े बड़े हो गए तो शायद हम क्लियर कर लेंगे जल्दी जल्दी। अभी यहां से देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स ऑफ sec x, अब मुझे sec x को देखना है, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, sec x को अगर आप ग्राफ में देखोगे तो आप एक मिनट में मुझे बता दोगे, देखो यहां से ये बेटा यहां से 0 है, मैं 0 का ग्राफ उठा ले रहा हूं यहां पे, 0 का, अरे यार 0 का ग्राफ उठा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, मैं 0 का केवल ग्राफ उठा रहा हूं, ये गया ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ गया, और इस ग्राफ के हम 0 पे देखना चाह रहे हैं, इधर से और इधर से, अगर आप इधर से देखोगे तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, क्या मैं बोल सकता हूं दोनों साइड सेम वैल्यू आएगी, क्या मैं बोल सकता हूं दोनों साइड सेम वैल्यू आएगी, sec x पे ये रहा जीरो, ये रहा जीरो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर जीरो नेगेटिव पे चेक करो, जीरो पॉजिटिव पे चेक करो, ये वैल्यू सेम आएगी,
ये वैल्यू सेम आएगी जितनी भी आ रही, जितनी भी आ रही। और अगर सेम आएगी तो सर हम यहां से जो भी आ रही हो 0.1, यहां से हमने जस्ट लिया 0.1, तो सर हमारे पास लिमिट, हमारे पास जो मिल रहा है वो मिल रहा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स ऑफ, हमने यहां से बोला सर वहां पे भी 1 मिल रहा है और ये 0 माइनस ले लो, है ना, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और बेटा ये मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, मुझे यहां से बता दो 1 प्लस, अरे मुझे बता दो यहां से 1 प्लस पे भी 1 ही आ रहा और 1 माइनस, यहां से 0 माइनस पे भी 1 ही आ रहा, क्या मैं बोल सकता हूं साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बेटा ये कितनी है पाई बाय 2, ये बोल सकता हूं यहां से कितनी आ रही पाई बाय 2, दैट्स इट फिनिश। विदाउट ग्राफ कर पाओगे, बस थोड़ा सा मुझे एक बार बेसिक क्लियर कर ले दो, उसके बाद आप विदाउट ग्राफ जैसे भी कर पाओगे, जैसे भी होगा वैसे सब लोग कर लोगे। ग्राफ याद करना जरूरी नहीं है, ग्राफ याद करना जरूरी नहीं है, ऐसा कोई बिल्कुल भी मतलब रूल नहीं है, लेकिन अगर आपको ग्राफ से आ गया तो आप ग्राफ से 2 मिनट बता दोगे। अब मेरी बात सुनना जरा यहां से, है ना, अब मेरी बात सुनना। मैंने यहां से आपको जब भी बोला था, मैं आपको जब जब बोला हूं तो मैंने आपको बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी, फॉर एनी इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ द फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ द फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, सेक की वैल्यू 0 पे इंफिनिटी होनी चाहिए, ऐसा बच्चों का कहना है, कॉस 0 0 होता है तो सर सेक 0 इंफिनिटी होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है, और हम यहां पे जस्ट खड़े हैं, ये सेक का बेटा आपका ग्राफ है, है ना, ये सिंपल आपका सेक का ग्राफ है जो हम 0 पे देख रहे हैं, है ना, और हम जस्ट 0 प्लस और 0 माइनस पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं, ना कि हम बात कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू पे, ठीक है, हम लिमिट चेक कर रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिमिट की बात कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, यहां से जस्ट ये वाला पार्ट हमारा बस इतना ही था, बहुत बेसिक वाला पार्ट था कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये सब कैसे चेक करते हैं, फंक्शंस मैं पढ़ा दूंगा अगर आपको बाय चांस फंक्शन में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, ठीक है, हाँ ये तो एग्जिस्ट हो गया, अब आपको ये जस्ट देख के चलना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको दिया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपको मिलेगा तो लिमिट आपको डज नॉट एग्जिस्ट का केस मिलेगा, लेकिन एक ये केस आपको दिखा, इसको मैंने यहां से, ठीक है, एक ये केस आपको दिखा यहां पे, तो हम इस केस की जो बात कर रहे हैं इसीलिए मैंने इसको डाला कि बाय चांस आप ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, तो बस इसको देखना। हाँ, अब आप यहां से थोड़े से अभी जस्ट इसका शीट दे दूंगा, वो शीट कर लेना, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे बात करना शुरू कर रहे हैं, अब हम यहाँ से लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारे जनरली जो इतना वाला जो पार्ट था वो 12th का पार्ट था, ये हमने 12th में पढ़ रखा है, और मैं जस्ट चाह रहा था कि आपको एक बार रिकॉल हो जाए, थोड़ा बहुत दिमाग में गया या नहीं गया, एक्चुअल में आपको दिक्कत कहाँ पे हो रही है कि आपने ग्राफ नहीं पढ़े, और अगर ग्राफ होता तो ग्राफ से सीधी सीधी बात आ जाती, बस बात खत्म, है ना, दूसरा मतलब मैं मतलब ऑब्वियसली लिख जाता हूँ कभी कभी, तो सर लेफ्ट हैंड राइट हैंड सर एकदम से कंफ्यूज हो गए, ये क्या हो गया। तीसरा पॉइंट जो था, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर से करवा दिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप एकदम से कंफ्यूज आते हो कि कब हमें लगाना है, है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में कंफ्यूज नहीं होना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। हाँ, अब ये 12th में पढ़ा तो है, बट हमें अभी हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन है वो माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी होगा, ऐसा रॉयल का लियो का कहना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बेटा यहां से जस्ट बेटा बात करें, हम फंक्शन पे बात करते हैं, पहले इधर देख लो, कहीं पे भी अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा तो डेफिनेटली मैं हूं बताने के लिए, बट फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सर मैं अभी कुछ और मेरे लिए बचा है, मैं कुछ और जानना चाह रहा हूं, है ना, तो आप उसको कर सकते हैं, नो डाउट, आप उसको दोबारा से कर लेना, मैं अभी पीडीएफ आपको सबसे दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात, अब इंजीनियरिंग वाला थोड़ा सा जस्ट बात करते हैं, हमें एक अनडिफाइंड फॉर्म की बात करनी, इंडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेंट फॉर्म की बेटा बात करते हैं, ध्यान रखना कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, पहले तो आपको मैं एक चीज बता दूं, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये अनडिफाइंड नहीं है, हमेशा जैसे एक चीज ध्यान रखना कि हम जो बात कर रहे हैं वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात कर रहे हैं, अनडिफाइंड की बात नहीं कर रहे हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब सिंपल सा है,
कि हम जो बात कर रहे हैं बेटा, किसी भी फंक्शन की वैल्यू ध्यान से देखना, किसी भी फंक्शन की वैल्यू आपकी हमेशा एग्जैक्ट जीरो बाई एग्जैक्ट जीरो का डिस्कशन नहीं होगा आपके साथ, यह ध्यान रखना। कभी भी अगर हम यहां से जस्ट बात करेंगे कि हमसे एग्जैक्ट जीरो बाई एग्जैक्ट जीरो की बात करेगा, ये गलत है, ये आपका कभी नहीं होगा। आपको कभी भी एग्जैक्ट जीरो बाई जीरो नहीं लेके चलना है। आप ऐसा मत करना कि सर वो एग्जैक्ट जीरो बाई एग्जैक्ट जीरो को, हमेशा ध्यान रखना ये पॉसिबल नहीं है। हम जो बात करते हैं वो हमेशा बेटा टेंस टू जीरो डिवाइडेड बाई टेंस टू जीरो की बात करते हैं। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि लिमिट हमसे यहां से बेटा टेंस टू की बात करता है कि x टेंस टू 1, y टेंस टू 1, यहां से x टेंस टू 0, x टेंस टू 2, तो हम हमेशा टेंस टू की बात करते हैं। तो हमारे पास जो भी है वो बेटा यहां से टेंस टू की बात करेगा, और टेंस टू की बात करता है तब हम यहां से जस्ट बोलते हैं कि सर ये 0 बाई 0 की फॉर्म है, जिसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में बोलते हैं कि हां सर ये हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। चाहे वो 0 बाई 0 की बात करें, चाहे वो यहां से प्लस इंफिनिटी बाई प्लस इंफिनिटी की बात करें, माइनस इंफिनिटी बाई माइनस इंफिनिटी की बात करें। प्लस 0 बाई 0 का मतलब ये है कि आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है 0 बाई 0 बाई 0 0 0 0, जब जब आप थक जाओ तो यहां से 1 ले लेना, ठीक है। यहां से 0 पॉइंट आपने यहां से 0 बाई 0 0 0 0 0 0 0 अगेन थक जाओ तो आप यहां पे कुछ भी ले लेना, 2 ले लेना। आप ऐसा कोई क्वेश्चन ना करे कि सर हमने यहां से 2 क्यों ले लिया। तो हमने यहां से जब देखा तो अगर हम दोनों साइड से कट करेंगे तो हमें एक कोई डेफिनेट वैल्यू मिलेगी मिलेगी। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये आपकी यहां से अनडिफाइंड वैल्यूज नहीं है। सिमिलरली आप यहां से प्लस इंफिनिटी की बात करेंगे तो जितना यहां से आप बड़ा नंबर ले पाए, जितना बड़ा नंबर ले पाए डिवाइड बाई जितना बड़ा यहां से ले पाए, तो प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी वाला केस आएगा। अब यहां से बात आती है कि हमारे पास एक बेटा यहां से प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, सिमिलरली ये बड़े नंबर की बात करता है। एक ये केस होता है 0 इनटू इंफिनिटी का। 0 इनटू इंफिनिटी पे कभी जैसे आप जाएंगे किसी, आपने सोचा कि मैं ऐसे बेंगलोर में जाऊंगा और वहां पे मैथ का आपका इंटरव्यू हो गया, आपसे मैथ पूछ लिया, तो 0 इनटू इंफिनिटी का कोई एग्जांपल, मतलब मैं आज सोच रहा था कि 0 इनटू इंफिनिटी का कोई एग्जांपल अगर मैं बच्चों को दूंगा तो मैं कौन सा एग्जांपल दे सकता हूं 0 इनटू इंफिनिटी का। तो मुझे एक चीज याद आई, मैं 0 इनटू इंफिनिटी से मुझे याद आया कि देखो 0 मतलब बहुत ही स्मॉल नंबर, वेरी 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 स्मॉल नंबर, और इंफिनिटी का मतलब वेरी 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 लार्ज नंबर। तो हमने बोला कि सर वेरी लार्ज और वेरी यहां से स्मॉल, इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे। एक आपने जस्ट देखा होगा ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बात की, तो फोर्स इनटू आप यहां से आपको अगर याद हो, आपको यहां से याद हो, एक कुछ ऐसे आता है F into dt नाम की कोई चीज कहीं पे भी पढ़ी हो, कहीं पे भी 12th में अगर आपको याद हो, और इसकी जो यूनिट आती है वो न्यूटन इंटू सेकेंड की आती है, याद है आपको कहीं पे जिंदगी में पढ़ा हो F into dt, अगर आपने कहीं पे पढ़ा हो कि हाँ सर हमने कोई फोर्स लगाया, हमने कहीं पे एक फोर्स लगाया बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हमने कहीं पे फोर्स लगाया और फोर्स बहुत हैवी था, बहुत शॉर्ट टाइम के, लेकिन फोर्स बहुत हैवी था। आजकल साउथ की मूवी में एकदम से फोर्स लगता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, पता नहीं चलता एकदम से विलन को हुआ क्या था। आपने देखा होगा मैं कई बार मूवी जब देखने खड़ा होता हूँ तो बैठता हूँ, खड़े होकर क्या ही मूवी देखेंगे। अब जब मूवी देखने बैठते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एकदम से पता चला, मतलब विलन जो था वो देखते ही रह गया, देखते ही रह गया, और हीरो सामने खड़ा, उसके सब मर गए, फिर एकदम से पीछे जाते हैं बैक, तब दिखाता है कि वो हीरो ने मतलब हार्डली एक सेकंड एक मिनट के अंदर अंदर सबको निपटा दिया, है ना। यस, तो ये जो बात है वो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंपल्स के बारे में। तो आजकल इस इंपल्स का यूज जो है वो साउथ वाले बहुत अच्छे से करते हैं, साउथ वाले बहुत खतरनाक तरीके से इंपल्स का यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे जस्ट इंसान इंडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हम जो डिस्कशन अभी करने जा रहे हैं दैट इज 0 इनटू इंफिनिटी के बारे में। ये इंपल्स का यूज जो है ना साउथ मूवी वाले एकदम खतरनाक तरीके से, ठीक है। अब यहां से सुनो कि हमने कहीं पे बचपन में बहुत बार ऐसा चीज देखी है कि मम्मी एकदम से साथ में थी और मम्मी को एकदम से गुस्सा आ गया, इनफाइनाइट स्पीड से खिलाड़ी 720 जो भी हो, इनफाइनाइट स्पीड से मम्मी ने थप्पड़ मारा, मम्मी ने जो थप्पड़ मारा वो खतरनाक था एकदम से, मम्मी ने बोला 1000 न्यूटन का, है ना, 1000 न्यूटन का थप्पड़ लगा दिया, समझ रहे हो, 1000 न्यूटन का जब उन्होंने थप्पड़ लगाया, बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से। चलो मैं यहां से एक बड़ा फोर्स की बात करता हूं, और उन्होंने यहां से कितनी देर के लिए लगाया, 0.001
001 सेकंड के लिए, ठीक है। और आप यहां से जस्ट थोड़ा सा देख पाए, जब तक देखे तब आप बोलेंगे जो इंपल्स मिला वो 1 न्यूटन पर सेकंड, है ना। इतनी बड़ी चीज को जरा सा कर दिया, इतनी बड़ी चीज को सोचो हमारी इंजीनियरिंग में, है ना, हमारी इंजीनियरिंग में कितनी ये जो 0 into infinity का कितना बड़ा रोल है। आप बचपन से लेके अभी तक पढ़ते हो कि शॉर्ट टाइम के लिए करना है। ये हमारी इंजीनियरिंग में यूज है पूरा का पूरा, है ना। हमारे पास ये इंजीनियरिंग का पूरा यूज है। हम इसी पे बहुत सारी चीजें कर जाते हैं, है ना, कि हम कहीं पे इंपैक्ट लोडिंग करनी है, जितने सिविल वाले मैकेनिकल वाले हम तो फ्री फंड है तो ह्यूम हमें आप सबको पड़ेगा सबको। आज मम्मी को बता देना कि तुमको मैं लिमिट सिखाता हूँ, तुमने मुझे बचपन से मारा लेकिन ये नहीं बताया कि 0 into infinity का केस है, है ना। मम्मी बताएंगे कि मैं तुम्हें बताती हूँ 0 into infinity नहीं, इस बार मैं तुम्हें infinity into infinity सिखाती हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से जस्ट समझ सकते हो। तो ये 1 न्यूटन पर सेकंड का बेटा जो है वो बिल्कुल क्लियर समझना, ये इंपैक्ट की बात कर रहा है। जब जब आपसे जस्ट बात करेगा तो हमेशा एक इंपैक्ट की बात करेगा कि हमें इंपैक्ट कैसे मारना, इंपैक्ट कैसे, और इंपैक्ट हमेशा हम न्यूटन सेकंड की जस्ट बात करते हैं और हमें यहां से क्लियरली दिख जाता है। समझ पा रहे मेरी बात या नहीं, समझ पा रहे मेरी बात। हमने यहां से जस्ट बेटा बोला कि जहां जहां जैसे इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन आती है तो आप 0 by 0 की जब आपसे डिस्कशन करेगा तो मतलब ये जो डिस्कशन है वो बहुत छोटा, वेरी 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 स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाई वेरी 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 स्मॉल नंबर, ये जो है वो हमारे पास वेरी 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 लार्ज नंबर डिवाइडेड बाई वेरी 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 लार्ज नंबर, ये हमारे पास जो है वो लार्ज माइनस लार्ज है, ये आपके पास स्मॉल इनटू लार्ज है, ठीक है। स्मॉल बनाते जाओ, स्मॉल मिलाते जाओ, बड़ा बनाते जाओ, है ना। यहां से देखा होगा ना, स्मॉल मिलाते जाओ, बड़ा बनाते जाओ, ये कहीं पे है, ये कहीं पे डायलॉग है बड़ा खतरनाक वाला, है ना। स्मॉल मिलाते जाओ और बड़ा बड़ा बनाते जाओ, है ना। तो वो बड़ा बनाते, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे जो मैकेनिकल वाले हैं उनके में जब हैमर चलता है, हैमर जब चलता है तो हैमर कॉन्टिन्यूसली ऐसे चलता है, माइक्रो सेकंड के लिए हैमर चलता है और माइक्रो सेकंड में धीरे 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 वो पूरा निपटा देता है ना। बड़ा फोर्स माइक्रो सेकंड्स के लिए लगता है, ठीक है। स्मॉल बाय स्मॉल क्या, यहां से स्मॉल टू द पावर स्मॉल है, 1 to the power यहां से इंफिनिटी और यहां से इंफिनिटी टू द पावर 0, स्टैंड परफॉर्म बाय द यस, ठीक है। हाँ, तो जस्ट इसको देखना है और बस इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को आपको ध्यान रखना है, कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं रखना। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी जिनको मैं डिस्कस करने चाह रहा था। अब हमारे पास जो बेसिकली ये 7, देखो इन 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म के अलावा जिंदगी में कुछ भी आएगा आप लिमिट को सीधा सॉल्व करोगे। आपके पास अगर जिंदगी में कभी भी ऐसा बोल दे इसके अलावा कोई भी केस मिल जाए, आप सीधा जैसे x टेंड्स टू यहां से बोला उसने लिमिट ऑफ, लेट सपोज उसने यहां से एक क्वेश्चन ले लिया कुछ इस टाइप से, उसने बोला कि लिमिट ऑफ कुछ हमारे पास फंक्शन दे दिया, जब किसी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, वो भी बताओ। हाँ बता देंगे टेक टाइम बता देंगे, ठीक है। हाँ बट एक्चुअली मैं इंपैक्ट ज्यादा, हाँ इंपैक्ट तो ज्यादा होता है, इंपैक्ट नो डाउन। लेट सपोज हमारे पास ऐसा फंक्शन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब आप यहां से जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 दे दिया गया, अगर ये एक्स टेंड्स टू 2 है, अब हमारे पास केस आ गया क्या, 0 by 0 का केस आ गया। इस 0 by 0 का केस आ गया तो सर हमारी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ये यहां से ये देखो रॉयल स्टैग आ गया ना, छोटा छोटा मिलाते जाओ बड़ा। हाँ माइनस 0 by 0 और डिवाइडेड बाई माइनस 0 by 0 कहाँ पे लेके जाओगे, ठीक है। माइनस 0 by 0, 0 ऑलरेडी एक बहुत छोटा नंबर है ना, तो आप उसके आसपास ही घूम रहे हैं, समझ रहे बच्चे। सुनो अब हम यहां से जस्ट बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये कोई नंबर आया, अब मैं यहां से फंक्शन तुरंत बोल दूंगा कि सर 2 पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है, और मैं लिमिट चेक करूंगा तो मैं यहां से देखूंगा कि लिमिट मुझे एग्जैक्टली देखनी पड़ेगी। तो लिमिट अगर मैं x टेंड्स टू 2 देखूंगा, अब x टेंड्स टू 2 पे हमारे यहां से 4 - 4 / 2 - 4, तो हम यहां से x माइनस 2 और x प्लस 2 करके सॉल्व कर देंगे, और सर हमारे पास कोई बहुत बड़ा है तो इशू है नहीं, हम इसको कट करेंगे, हमारे पास x प्लस 2 आएगा। अब मैं चाहे 2 माइनस रखूं चाहे 2 प्लस रखूं, दोनों में लगभग सेम वैल्यू आएगी, दैट इज 4, इसको हम ऐसे रखेंगे। एक चीज बस इतना ध्यान रखना, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं यहां से जस्ट एक चीज जानना चाह रहा हूं आपसे, मैं बस एक चीज जानना चाह रहा हूं कि आपको अगर बताना चाह रहा हूं सॉरी आपको इनके अलावा कोई भी लिमिट का फंक्शन मिलेगा, आप चुपचाप उस फंक्शन में वैल्यू डालेंगे और वैल्यू डालने के बाद आपको बस फंक्शन को सॉल्व करना है, आपको बस स्टेज देखनी पड़ेगी। पहला आपका काम यही रहेगा कि आप सबसे पहले उसका वैल्यू डाल के देखेंगे, सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे बेटा, उसका वैल्यू डाल के देखेंगे
और अगर उसका वैल्यू आपका यहां से लाई कर जा रहा है जीरो पर, इनमें से कोई सी भी फॉर्म नहीं आ रही, तो आंख बंद करके सॉल्व करना है, ठीक है। बस इनको साथ को याद रखना, यही जिंदगी में हमें काम आते रहेंगे। अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमें जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन दो को सॉल्व करने के लिए वेरियस मैथड्स, अदर मैथड अदर जो है उनमें तो हम सिंपल लगाते हैं, तो इनके लिए हम तीन मैथड यूज करते हैं। एक हमारे पास आता है बेटा फैक्टराइजेशन मैथड, एक आता है रेशनलाइजेशन मैथड, और एक एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल मतलब आप समझ रहे हो ना, हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है ना। ये हमारा, मैं लाल से बना देता हूं, है ना, ये हमारा प्यार है जो हम हमेशा याद रखते हैं। रेड कलर का ये हमारा प्यार है जो हम हमेशा याद रखते हैं, बचपन का प्यार है ये अपना, है ना, ये अपना बचपन का प्यार है। सर इसी से तो मेरी जिंदगी चलती है, ये इतना प्यारा मेथड है कि कहीं यूज हो रहा हो या ना हो रहा हो, बच्चे इसी को यूज कर देते हैं, कहीं पे भी ये लगे चाहे ना लगे, लेकिन सर हमको तो इसी को लगाना है, तो बहुत ध्यान से इसको यूज करना है ना। जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के केस में ही केवल लगाना है। अगर इसके अलावा आपने कहीं भी ऐसा सोचा कि नहीं मैं कुछ भी कर जाऊंगा, तो आप समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं से आपको दर्द देके जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं से दर्द। आपको बस एक चीज पे रुकना है कि हाँ सर मुझे ये मिलेगा तो ही करूंगा, नहीं तो मैं इसको नहीं करूंगा, नहीं तो गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो हमारा प्यार है ये बचपन का, लोग सफेद दिल बना देते हैं ना, सफेद दिल बना देते ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ सर हमारा प्यार है। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें पहले देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये दिया गया, लिमिट यहां से एक्सटेंड्स टू 3x² + 4x + 5। सो अगर 3x² + 4x + 5 की बात करेगा, मैं पहले सबसे पहले स्टेज वन क्या करूंगा, स्टेज वन में वैल्यू डाल के देखूंगा। अगर मैं वैल्यू डाल के देख रहा हूं तो 3 × 1 और प्लस हमारे पास 4 × 1 और प्लस हमारे पास 5 आ गया। हमने यहां से बोला यहां से 7 + 5 ये 12 आ गया। सर यही आंसर होगा क्योंकि इसमें कोई सी भी हमारी फॉर्म आ ही नहीं रही है, और हमारी कोई सी भी फॉर्म नहीं आ रही तो हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको हमें लेने की टेंशन ही नहीं है। हाँ बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, हाँ दैट इज ओके, आप भूलो या ना भूलो, बट इतना ध्यान रखना कि ये मतलब एल हॉस्पिटल देखते ही ना आपके अंदर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्वेश्चन देखते ही ना, जैसे ही कैलकुलस का लिमिट का क्वेश्चन देखा, पक्का एल हॉस्पिटल लग रहा होगा, चाहे वो लगे या ना लगे। तो एल हॉस्पिटल को लगाने से पहले पहले बस थोड़ा सा हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि वो लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, और अगर नहीं लग रहा है तो सर हमें उसको देखना है कि कब लगाना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास ये कुछ इस टाइप से, आप x = 2 डाल दो, देखिए x = 2 डालोगे तो 4 - 4 डिवाइडेड बाय आपके पास यहां से 2 + 3 आ रहा है। अगर आपके पास कोई ये कहानी 0/5 की आ रही है, आप चुपचाप आंसर 0 रख देना, है ना, क्योंकि ऐसा कोई भी फॉर्म हमने नहीं पढ़ा है, है ना, ठीक है, हमने यहां से कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं पढ़ा, हमारा ये क्वेश्चन जो है ना इतना ही आएगा। बहुत ध्यान से, मैं बहुत बेसिक से एकदम से लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है x is equal to 2 का। अब x is equal to 2 पे जब हम यहां पे आए तो हमने बोला कि सर इसमें स्टेज 1 क्रॉस करेंगे। स्टेज 1 हमारे पास कितना आएगा बेटा, 4 माइनस हमारे पास आएगा 10 प्लस हमारे पास आएगा 6 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास आएगा 4 - 4। ओहो ये 0 का केस आ गया सर, ये 0/0 का केस आ गया। अब ये 0/0 का केस आया तो सर 0/0 का केस कैसे, दो तरीके हमारे पास। हमने जस्ट यहां से बोला कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और यहां से एल हॉस्पिटल रूल। जिंदगी में एक गाना याद रखो, कि रूट आएगा तो रेशनलाइजेशन करूंगा, रट लो। मम्मी को आज सुना देना जाके, मुझे जहां रूट मिलेगा मैं रेशनलाइज कर दूंगा, जहां मुझे रूट मिलेगा वहां मैं रेशनलाइज कर दूंगा, इसको याद कर लो एकदम से, मम्मी को ये मतलब रैप सुना देना आज जाके, है ना, वैसे भी रैप सुनते रहते हैं ना आप लोग, तो मम्मी को रैप सुना देना कि जिंदगी में जहां मुझे रूट मिलेगा, तो मैं यहां से क्या करूंगा, रैप नहीं करूंगा, रेशनलाइजेशन करूंगा, हिंदी तो आती है, रेशनलाइज करूंगा। ध्यान रखना, जब जब रूट मिलेगा तब तब मुझे यही करना है, कोई इसमें कुछ भी काम नहीं करना, ठीक है, यस। अभी बाकी के अगर दो हमें यहां से मिल रहा है तो या तो फैक्टराइजेशन से कर लो या एल हॉस्पिटल से कर लो, ठीक है। अब यहां से जस्ट देखो, मैंने बोला कि सर इसको मैं कैसे कर सकता हूं, मैं एल हॉस्पिटल और फैक्टराइजेशन दोनों लगा सकता हूं, कैसे लगाऊंगा। देखो अगर मैं यहां से फैक्टराइजेशन की बात करूं, एल हॉस्पिटल तो 2 मिनट में पता चल जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 2 हम यहां से करेंगे तो बेटा 2x माइनस 5 आएगा डिवाइडेड बाई, हमने यहां से बोला कि ये 2x आएगा। आप यहां से देख सकते हैं तो बेटा आपको यहां से 2 मिलेगा, 2 रख दीजिए,
तो 2 into 2 - 5 डिवाइडेड बाई बेटा आपके पास आएगा 2 into 2 और ये आ जाएगा -1/4। आप बोलोगे सर मैं ऐसे करना नहीं चाहता था, मुझे ना फैक्टराइजेशन वाला चाहिए, मुझे यहां से हाँ रोटी नहीं मिलेगी। अरे नहीं मम्मी को इतना तो बता ही सकते हो ना, रूट मिलेगा तो रेशनलाइज कर दूंगा, मम्मी नहीं समझ पाएंगे, है ना पकड़। चल गाना बना लो इसका, रूट मिलेगा तो रेशनलाइज करूंगा, ध्यान रखना। अब यहां से जस्ट अगला क्वेश्चन, अगला हमने यहां से बोला कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं इसको फैक्टराइजेशन से करना चाहता हूँ। आपने एल हॉस्पिटल लगाया ना, मैं इसको फैक्टराइजेशन से करना चाहता हूँ सर, अगर आप फैक्टराइजेशन करवाना चाह रहे हैं तो बताइए, नहीं तो मैं खुद कर लूंगा। अरे मैंने कहा कि ठीक है कर लो। यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, x²-5x और +6 डिवाइडेड बाई हमारे पास x²-4। कोई इसके फैक्टर कर सकता है क्या, कोई भी बंदा इसके फैक्टर कर सकता है क्या, और अगर कर सकता है तो जल्दी से बता दो क्या इसके फैक्टर आपके x-2 और x-3 आ रहे हैं, क्या इसके फैक्टर आपके x-2 और x-3 आ रहे हैं, और अगर ऐसा आ रहा है तो ये x-2 और ये x+2 आएगा। मैं ये सिखाऊंगा नहीं, है ना, इतना ये सिखाऊंगा, इतना हम लोग नहीं सीख पाएंगे। तो हमने बोला कि सर x-2 उड़ा और उड़ गया तो हमारे पास बचा x-3 डिवाइड बाई x+2। अरे हो गया सर खत्म, यहां से आप 2-1 रखोगे तो -1/4। आंसर सेम आएगा दोनों तरीके से, आंसर बच्चा आपका सेम आएगा दोनों तरीके से, चाहे जैसे कर लो, ठीक है। तो ये भी तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि आपके दिमाग में पहली बार क्या आता है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन यहां से एक कुछ इस टाइप से है, x²-x log x - log base ex - 1 डिवाइडेड बाई आपके पास यहां से x²-1, ठीक है। हाँ जहां रूट वहीं दूर, यस ना, चाहे जैसे तुम गाना बना लो, जो तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हारी मर्जी, जो तुम गाना बनाना चाह रहे हो, है ना। अब मेरी बात सुनो, अरे यार ये तो सर देखते उड़ा दूंगा इसको, देखते है ना। आप देखो यहां से फर्स्ट स्टेज वन याद रखना बस जिंदगी में, स्टेज वन क्या है, वैल्यू डाल दो 1-x यहां से, यहां से 1- बेटा हमारे पास क्या है, अगर मैं यहां से करना चाहूंगा तो मैंने बोला 1- ये 1 और ये ln1 - ln1 - 1 डिवाइडेड बाय यहां से कितना आएगा बेटा 1-1। अरे ये तो 0 है, ये 0 है और ये 1-1 0/0 का फॉर्म आ गया सर, आ गया ऊपर 3 होगा, हाँ रॉयल बोल रहे हैं कि ऊपर 3 होगा, ऐसा कहां पे मतलब ऐसा कुछ है, चलो ठीक है। यहां से पीछे वाले में तो नहीं बोले थे क्या, पीछे वाले में तो नहीं बोले, अच्छा ये x-3 होगा तो कोई बात नहीं, इतना अंडरस्टैंडेबल है ना। अभी हमने बोला सर ये क्या है, अरे खत्म करो सर इसको, खत्म करो, यहां से एल हॉस्पिटल लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, आपके पास कितना आएगा 2x - x log ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x -1/x - 0, ठीक है डिवाइडेड बाई यहां से कितना आएगा बेटा 2x, ठीक है। यहां से बेटा ये फिनिश, यहां से ये फिनिश, अगर यहां से ये फिनिश तो हम यहां से देखेंगे ये मेरे पास कितना मिलेगा 2x/x, लिमिट डालो जरा 2 × 1 - 1/1, ठीक है डिवाइडेड बाई 2 × 1, ठीक है कितना आ गया 1/2। देख लेना मैं कुछ गलती कर रहा हूं, आप बोलोगे सर ऐसे नहीं चाहिए मुझे, मुझे ना आपका फैक्टराइजेशन मेथड चाहिए। फैक्टराइजेशन करेंगे क्या, यस डेफिनेटली करेंगे सर। लिमिट एक्सटेंड्स टू, हमसे यहां से 1 की बात कर रहा है, आप यहां से देखो जरा x दोनों में से कॉमन log यहां से देखो x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो बेटा 1- ln x आ जाएगा, यहां से x कॉमन ले लिया मैंने, 1- ln x कॉमन आएगा और माइनस ऑफ यहां से कितना आ जाएगा बेटा 1- यहां से कितना आ जाएगा ln x आ जाएगा। देखो जरा यहां से 1- हमारे पास कितना, ये बेटा प्लस कर लेना, आई एम सॉरी ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस है नहीं तो बनेगा नहीं, है ना। ओके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है वो बनेगा नहीं, क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको प्लस कर लेगा, बस इतना सा। डिफरेंशिएशन गलत नहीं किया, डिफरेंशिएशन हमने यहां से डायरेक्टली ऐतिहासिक काम कर दिया, तो डिफरेंशिएशन सही कर देते हैं फिर इसको रखते हैं। बच्चे हमने यहां से जस्ट बोला कि हमारे पास डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस यहां से फिर कितना आएगा बेटा यहां से माइनस ये प्लस था प्लस ऑफ सेकेंड फंक्शन हमारे पास कितना आएगा सेकेंड फंक्शन हम यहां से बोलेंगे ln x और डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 और माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1/x ठीक है और ये आ जाएगा 0 डिवाइड बाई आपके पास यहां से कितना आएगा बेटा ये 2x आएगा
और फिर से करो यहां से, फिर से करो यहां से, जब आप यहां से रखोगे तो 2 क्रॉस 1 प्लस आपके पास आ गया 1, यहां से बेटा ln 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है, ln 1 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 0, माइनस आपके पास आ गया 1, तो ये आपके पास बेटा 2/2 आया, ये यहां से आपके पास 2/2 आया और वैल्यू बनी जाके आपके पास 1, ठीक है, या ठीक 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 है, ये माइनस नहीं है, ये यहां से प्लस कर लेना, वो उसमें टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर है, नहीं तो ये आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपने बोला सर मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा, मैं ना इसको थोड़ा सा और चेंज करके फैक्टराइजेशन से करना चाह रहा हूं, आप करो फैक्टराइजेशन से, क्या फर्क पड़ता है, अब तो सब आता है ना, अब तो सब आता है ना सर, मैं अगर हम फैक्टराइजेशन से करेंगे सर मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, करो जरा फैक्टराइजेशन, यहां से मैं एक्स कॉमन ले ले रहा हूं ना, एक्स कॉमन लूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, बच्चे मैं यहां से जस्ट लिखूंगा 1 प्लस ln x, और यहां से x, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस ln x, ठीक है, डिवाइड बाय मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1 है, यहां से 1 प्लस ln x कॉमन ले लो तो x माइनस 1, और यहां से 1 प्लस ln x, और डिवाइडेड बाय आपके पास यहां से कितना आ जाएगा बेटा x माइनस 1, और यहां से आपके पास आ गया x प्लस 1, मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूं तो प्लीज मुझे बता देना, माइनस ln होगा, माइनस जो भी है मुझे प्लीज बता देना, मैं अगर जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक लिख जाऊं, ठीक है। अगर हम यहां से जस्ट बेटा बात करें तो मेरे पास x = 1 है, ये कटा दो, हटा दो, x = 1 है, तो ये आपके पास 1 + 0 divided by 1 + 1 और ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये तो दोनों अलग-अलग आ रहे हैं, तो देखो कुछ मिस्टेक कर गए हैं क्या, दोनों अलग-अलग आ रहे हैं, क्या कुछ मिस्टेक कर गए, माइनस ln होगा, माइनस ln होगा, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं कि सर माइनस ln होगा, देखो देखो जरा जल्दी से, अरे ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस, और ये हमारे पास यहां से कितना आया, फर्स्ट फंक्शन 2x, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंश सेकंड फंक्शन और माइनस 1/x, सही तो है यार, सही तो है बच्चे, 1/2, तो ये 1 कैसे आ रहा है, ये 1 कैसे आ रहा है, ये 1 कैसे आ रहा है, एक बार इसमें देखो जरा, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, वो तो हमारे पास यहां से 2 आ रहा है, 1/2, ये तो हमारे पास यहां से बच्चे 1/2 आ रहा है, ये कैसे हमारा यहां से 1 आ रहा है, चलो हम यहां से x स्क्वायर से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास यहां से x स्क्वायर से x कॉमन लिया तो हमारे पास x प्लस बचा, तो कुछ मिस्टेक है इसमें क्या, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या, x ln x है और यहां से x x, हां ठीक है, समझ गया, हमारे पास बेटा ये यहां से कुछ इस टाइप से गिवन है और इसमें कुछ क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस का x ln x है, माइनस ln x है, माइनस 1 है, फैक्टराइजेशन हमारा यहां से x प्लस ln x आएगा, माइनस 1 आएगा और 1 प्लस ln x आ जाएगा, तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, x प्लस ln x आएगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखो जरा यहां से एक बार मुझे बताओ, एल हॉस्पिटल से, एल हॉस्पिटल इज ओके, अरे 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 जय माता दी, भूल के सर स्टार्ट कर दो कैलकुलेशन में, x is equal to 1 हम पुट कर देंगे, दैट इज ओके, x is equal to 1, मैं क्या कह रहा हूं, फैक्टराइजेशन और इसमें कुछ अलग हो रहा है, फैक्टराइजेशन और इसमें ना कुछ अलग हो रहा है एकदम से, मैं दोबारा से इसको करवा देता हूं ना, चलो आप ही बताओ, दोनों साइड से चेक करो क्या दोनों से साइड से सेम आ रहा है, ये तो आप कर सकते हो ना यार, तो मुझसे क्यों करवा रहे हो, जल्दी से मुझे बताओ क्या दोनों साइड से सेम आ रहा है फैक्टराइजेशन और एल हॉस्पिटल से, क्या फैक्टराइजेशन और एल हॉस्पिटल से सेम आ रहा है क्या, फैक्टर नहीं होंगे, फैक्टर हो जाएंगे, ऐसा कर लेते हैं, इसको x स्क्वायर माइनस 1 एक साथ ले लेते हैं और यहां से प्लस x माइनस 1 और ln x रख देते हैं, हो जाएंगे फैक्टर, डिवाइडेड बाय हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, आप इसको जरा सॉल्व करो, यहां से x माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहां से x प्लस 1 और प्लस ln x बचेगा, हो जाएंगे फैक्टर, डिवाइडेड बाय यहां से बेटा x माइनस 1
और यहां पे हमारे पास बचेगा x प्लस वन, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू इसमें वन रखो तो यहां से टू डिवाइड बाई टू ये वन आ जाएगा। आ तो रहा है, आ तो रहा है, फैक्टर हो जाएगा बेटा, फैक्टर हो जाएगा। एल हॉस्पिटल नहीं, ऐसा नहीं लगेगा तो दोनों से लग जाएगा, लगेगा तो दोनों से लग जाएगा। थोड़ा सा सोचा करो ना, आंसर मत मिलाया करो। मुझे लगा कि गलत है तो मैं दोबारा ट्राई किया ना, तो आपको अगर गलत लगता है तो दोबारा ट्राई करो, नहीं तो सब गड़बड़ होगा। रजत सक्सेना, वृंदा ने सर एल हॉस्पिटल से वन बाई टू आ रहा है, एल हॉस्पिटल से दोबारा लगा के देखते हैं। ये बेटा आपके पास यहां से टू एक्स आ रहा है, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन, यहां से प्लस का फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, माइनस ये डिवाइडेड बाई आपके पास यहां से टू एक्स आ रहा है, ठीक है। आप यहां से जस्ट देखेंगे तो ये वन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास टू एक्स प्लस वन, प्लस आपके पास यहां से एल एन एक्स आएगा, माइनस वन बाई एक्स आएगा, डिवाइड बाई आपके पास टू एक्स आएगा, ठीक है। मैं कुछ मिस्टेक करूं तो बताना, ठीक है। अगर आप यहां से जस्ट भरेंगे तो टू प्लस वन प्लस जीरो माइनस वन डिवाइडेड बाई आपके पास यहां से टू इंटू वन, आंसर तो वन ही आएगा दोनों साइड से, और सेम आएगा, ये ध्यान रखना, सेम आएगा बच्चे, समझ गए। हाँ, लास्ट में ना हम लोगों ने इसी को कॉमन ले लिया था, ये माइनस की वजह से। अरे एल हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, यहां से इसका डिफरेंशिएशन किया, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है एफ एक्स इंटू जी एक्स का, ये भी डिफरेंशिएशन में पढ़ाऊंगा आपके, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्लियर है ना। छोड़ना नहीं है, जब तक उसका पीछा कब तक नहीं छोड़ना, जब तक हमारा बन नहीं जाता, नहीं तो सब मिस्टेक हो जाएगी। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, ओके चलो। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू वन और रूट मिला, रूट मिला, रूट मिला, रूट मिला, तो क्या करना है, रूट मिला तो क्या करना है, रेशनलाइज करना है, ध्यान रखो रूट मिले तो रेशनलाइज करना है, दैट्स इट। तो आपको यहां से रूट मिला है, लिमिट एक्स टेंस टू वन, ये आ रहा है रूट ऑफ टू प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ टू डिवाइडेड बाई एक्स, रूट मिला तो रेशनलाइज करना है, ठीक है। चलो 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 चलो, अभी एक दो आए हैं देखो यहां पे, दो तीन आईडी से आए हैं। यस, करिए जल्दी से, करिए जल्दी से, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो यहां से। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे सर, टू प्लस एक्स प्लस टू, मेरे साथ करना है क्वेश्चन, है ना, मेरे साथ करना है। ये कितना आएगा, टू प्लस एक्स और प्लस रूट टू, कर दो भाई, कर दो, किसने मना किया आपको। हाँ अच्छा, पहले तो यहां से ये देख लेते हैं, पहले तो यहां से जस्ट ये देख लेते हैं कि सर हमसे एक रखने से ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, जीरो कर लो, जीरो कर लो, एक्स टेंस टू जीरो कर लो, ठीक है। जीरो करोगे तो यहां से रूट टू माइनस रूट टू, ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ जाएगा। एक से अगर नहीं आना तो कोई बात नहीं, बना लेंगे, बना लेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। चलने दो, चलने दो, चलने, चलने दो, चलने, चलने, ठीक है। तो यहां से जस्ट करो जीरो करके, सर हमने यहां से रेशनलाइज कर दिया, रूट मिला तो रेशनलाइज करना है, तो हमने यहां से सर कर दिया, आप ही ने तो बताया था, जीरो कर लेते हैं, है ना, वो जीरो ही होगा, टाइपिंग एरर होगा उसमें। ये हमारे पास बेटा बचेगा टू प्लस एक्स माइनस टू, यहां से टू प्लस एक्स माइनस टू, और यहां से बेटा कितना बचेगा, रूट ऑफ टू प्लस एक्स और प्लस रूट टू, और इन टू में बेटा हमारे पास कितना जाएगा एक्स, ऊपर केवल केवल एक्स बचेगा, ठीक है। तो x इंटू, अरे ये लो सर, प्लस रूट टू, हटो, खत्म करो सर, खत्म करो, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, हाँ 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 हाँ, आंसर बताओ यहां से। लिमिट जीरो ले ली बेटा मैंने, लिमिट मैंने यहां से जीरो ले ली,
तो हमने यहां से जस्ट देखा तो हमारे पास आंसर 1 बाई टू रूट टू आएगा, 1 बाई टू रूट टू आंसर आएगा, ठीक है। अब यहां से जस्ट अगर हम यहां से थोड़ी सी बात करें कि सर मैं एक बात बताऊं मुझे अगर x is equal to 1 होता तो मुझे कुछ करना ही नहीं था, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करता, खत्म हो जाता, 2 प्लस 1 रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 1 आ जाता, आंसर इसका रूट 3 माइनस रूट 2 आ जाता। अगर 1 होता तो आंसर ये आ जाता, खत्म हो जाता क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन बताना जरा, है इसी में एल हॉस्पिटल रूल लगा के बताना। अगर मैं एल हॉस्पिटल से लगाना स्टार्ट करूं तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो ये बेटा हमारे पास कितना आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, ये रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई 2 रूट x, 1 बाई 2 ऑफ 2 प्लस x, इतना ही तो होगा। अगर हम यहां से रूट एक्स की जस्ट बात करेंगे तो बेटा हमारे पास इतना डिफरेंशिएशन आ जाएगा, और यहां से माइनस कितना आ जाएगा बेटा, 0 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। डिफरेंशिएशन सही किया क्या, डिफरेंशिएशन हमने यहां से सही किया, फर्स्ट हमारे पास बस इतना है, टू रूट ऑफ टू प्लस एक्स है, अंदर जस्ट बात करोगे तो ये फिर से ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सर इतना आ जाएगा, x इज इक्वल टू यहां से 0 रख दो, 1 बाई 2 रूट 2 आंसर आ गया, खत्म, 1 बाई 2 रूट 2 आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। सर दोनों से सेम ही आएगा, दोनों से सेम आएगा सर, कभी भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए सर, दोनों से सेम आएगा, ठीक है। चलो सीधे आंसर आ रहे हैं, हाँ मैं तो सीधे ही आंसर आ रहा है, हम तो बस करके देख रहे हैं, ये तो एक मिनट में आ जाना चाहिए, जल्दी से बताओ इसका आंसर, अब मैं नहीं करूंगा, मैं थक गया थोड़ा सा, थक गया करते करते, आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ बच्चे, तभी तो बोले ना एल हॉस्पिटल अपना प्यार है, ये तो जबरदस्ती हम लोग खींच के रखते हैं, एल हॉस्पिटल अपना प्यार है, लेकिन इतना बड़ा प्यार है कि वो कहीं ना लग रहा हो तब भी लगा देते। स्टेप वन करिए, एक्स इज इक्वल टू बेटा यहां से जस्ट ए लगा दीजिए, एक्स इज इक्वल टू ए लगा दीजिए, ठीक है। तो यार रूट ऑफ 3a यहां से 4a माइनस यहां से 2 रूट a, एक्स इज इक्वल टू ए लगा दीजिए, यस रूट दिखा, रेशनलाइज कर दो और डबल रेशनलाइज कर दो एक साथ ही, रूट दिखा रेशनलाइज कर दो और डबल रेशनलाइज कर दो एक साथ, बताइए 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 फास्ट बताओ आंसर कितना आ रहा है, फास्ट बताओ बेटा आंसर कितना आ रहा है इसका, आंसर बताइए जल्दी से, अगर ना आए तो मुझे बताना फिर मैं बताऊंगा। हाँ ये बात भी सही है, सरल क्वेश्चन गेट में नहीं आते हैं, कुछ टफ करवाओ, हमारे बच्चे सरल ही पढ़ते हैं, क्या करें। यस बेटा बताओ 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 जल्दी से, फास्ट 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 आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ जल्दी से, कितने लोगों का आंसर आता है मैं जस्ट देखना चाह रहा हूं, काफी देर हो गई ना मुझे खड़े खड़े, अब मैं जस्ट देखना चाह रहा हूं कितने लोगों का आंसर आता है। जीरो आ रहा है, रजत सक्सेना ने बोला है कि जीरो आंसर आ रहा है, कहां है आशुतोष, सरल क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर करो ना जल्दी से, कितना आ रहा है, सरल क्वेश्चन, वन, यस अवधेश यादव का आंसर करेक्ट है, बाकी लोग आंसर करना सही करिए, बाकी लोग सही आंसर करना शुरू करिए, अवधेश का आंसर बिल्कुल सही है,
ठीक है। चलिए 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 जल्दी से, अरे यार अब तक तो आ जाना चाहिए है ना, जब मेरे साथ रहते हो तो जल्दी जल्दी करते हो, उसके बाद फिर कुछ करते ही नहीं हो। अरे आसान सा ही तो है, ए देखो यहां से सबसे पहले स्टेप वन लगाओ, स्टेप वन लगाओ यहां से, तो रूट ऑफ ए प्लस टू ए कितना आ जाएगा, रूट ऑफ थ्री आएगा, माइनस रूट ऑफ थ्री आएगा, डिवाइड बाई यहां से रूट ऑफ फोर ए आएगा, और माइनस ऑफ टू रूट ए आएगा तो अंदर जाएगा तो फोर ए बन जाएगा, है ना। जीरो बाई जीरो की फॉर्म है, जीरो बाई जीरो की फॉर्म है, ठीक है। और अगर जीरो बाई जीरो की फॉर्म है तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने यहां से बोला रेशनलाइज कर दो, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, ठीक है, दोनों तरीके से करेंगे इसको, ए प्लस टू एक्स माइनस रूट ऑफ थ्री एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ थ्री ए प्लस एक्स माइनस टू रूट एक्स, मल्टीप्लाई करो यहां से जल्दी से, इसको रेशनलाइज करेंगे यहां से, तो रूट ऑफ 3a प्लस एक्स और प्लस ऑफ टू रूट एक्स डिवाइड बाई यहां से रूट ऑफ 3a प्लस एक्स, ठीक है, और माइनस ऑफ टू रूट एक्स, माइनस क्यों आएगा सर, प्लस आएगा तो प्लस कर देते हैं, और एक बार रेशनलाइज कर दो इसको, ये कितना आएगा बेटा a प्लस टू एक्स और माइनस यहां से जो है वो प्लस हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a प्लस टू एक्स और यहां से प्लस रूट ऑफ थ्री एक्स। बस इसको सॉल्व करना यार, है ना, बस इसको सॉल्व करना, आंसर जो आएगा वो यहां से मैं डायरेक्टली जब x इज इक्वल टू a अप्लाई करोगे तो ये आंसर जो आएगा वो टू रूट थ्री आएगा, यहां से वन बाई, यहां से आंसर देखो जरा सॉरी टू बाई आ जाएगा, आंसर जो आएगा वो टू बाई थ्री रूट थ्री आएगा, आई एम सॉरी द आंसर विल बी टू बाई थ्री रूट थ्री, ये जो आंसर आएगा टू डिवाइडेड बाई थ्री रूट थ्री आएगा, टू डिवाइडेड बाई थ्री रूट थ्री आएगा आंसर। लेंथी है मुझे पता है, अब बात आती है सर इतना लेंथी थोड़ा ना करेंगे यार, आप तो पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, मैं बोल रहा हूं किसने बोला है, एल हॉस्पिटल लगाओ ना यार, एल हॉस्पिटल लगाओ प्यार वाला, है ना, तो कितना बचेगा बेटा यहां से, ये बचेगा वन बाई टू रूट ऑफ ए प्लस टू एक्स, ठीक है, यहां से इसका 2x का फिर करोगे तो 2 आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास रूट थ्री आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा रूट थ्री डिवाइड बाई यहां से करो जरा, अगर आप इसको जस्ट करोगे तो 1 बाई यहां से 2 रूट, यहां से आ जाएगा 3a और प्लस x आ जाएगा और इनटू बेटा आपके पास कुछ नहीं बना आएगा माइनस, और ये आपके पास यहां से 2 बाई रूट एक्स बचेगा, ठीक है, 2 बाई रूट एक्स बचेगा, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने यहां से जस्ट डिफरेंशिएट कर दिया, अभी आप फिर से इसमें a रख के देखिए, अगर आप a रख के देखेंगे तो आपको यहां से समझ में आएगा कि वो किसकी बात कर रहा, हमारे पास कितना है बेटा 2, ये तो कट जाएगा 1 बाई यहां से रूट ऑफ, ये कितना आ जाएगा बेटा 3a, रूट ऑफ 3a माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई यहां से कितना बचेगा बेटा, अगर आप यहां से देखेंगे तो 1 बाई ये बेटा कितना बचेगा 2, यहां से 2 रूट ऑफ यहां से रूट ऑफ 4a और माइनस आपके यहां से 2 बाई रूट ए, ठीक है, आप देख लो यहां से जो भी कॉमन आ रहा कटेगा तो जल्दी आ जाएगा, ये 2 बाई रूट 3 नहीं आएगा, 2 बाई 3 रूट 3 आएगा, आंसर जो आएगा वो 2 बाई 3 रूट 3 आएगा, ठीक है। तो अगर ये लेंथी लग रहा है, थोड़ा सा लेंथी है, मतलब ऑब्वियसली दो दो इसमें रेशनलाइज करने हैं तो थोड़ा सा लेंथी होगा, तो आप एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। चलो तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है, कर लेना आराम से, एक ये क्वेश्चन है 1 माइनस साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 4x, अरे क्या है, लगाओ जरा यहां से x टेंस टू पाई बाई 4, तो 1 माइनस यहां से बेटा साइन पाई बाई 2 आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई यहां से कितना 1 प्लस कॉस ऑफ यहां से आ जाएगा बेटा कितना पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1, तो बेटा हमारे पास ये माइनस वन यहां से 0 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है, 0 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है, अब बस एल हॉस्पिटल लगा दो, अब आप यहां से एल हॉस्पिटल लगा दो, एल हॉस्पिटल लगाने पे बस बाकी कुछ नहीं करना है, अब आप यहां से कॉन्फिडेंट हो, तो ये बेटा कितना आ जाएगा 1 माइनस यहां से साइन 2x को ब्रेक कर दो, अगर फैक्टराइजेशन करना है तो साइन 2x को ब्रेक कर दो, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 2 साइन 2x, ठीक है, यहां से सॉरी अगर डिफरेंशिएट करोगे
तो ये आपके पास यहां से कितना आ जाएगा, यहां से 2 cos 2x डिवाइडेड बाई आपके पास यहां से ये 0 आ जाएगा, और यहां से बेटा साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास cos आ गया, और cos का माइनस साइन आ जाएगा तो 4 sin 4x आ जाएगा, 4 sin 4x आ जाएगा। जरा लगाओ यहां से वैल्यू, आपके पास यहां से 1/2 बचेगा, तो ये बेटा हमारे पास यहां से 1/2 और आ रहा है cos 2x डिवाइडेड बाई बेटा हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है sin 4x। क्या यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, अभी 0/0 की फॉर्म आ रही है क्या, अभी भी क्या, अभी भी 0/0 की फॉर्म आ रही है, जल्दी से बताइए। ठीक है, अभी अब अगर हम यहां से रखेंगे तो हमारे पास यहां से बेटा जस्ट बचेगा cos ऑफ कितना आ जाएगा, पाई, cos हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई, अगर हम यहां से जस्ट देखेंगे पाई बाई 2 है ना, पाई बाई सॉरी cos ऑफ पाई बाई 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा, 2 sin ऑफ यहां से कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, sin पाई आएगा ना, आप यहां से जस्ट देखेंगे पाई बाई 4 तो sin पाई आ जाएगा। क्या अभी भी 0/0 आ रहा है, अगेन इसमें एल हॉस्पिटल लगा दो, अगेन इसमें एल हॉस्पिटल लगा दो, अगेन लगाओ यहां से, तो आपके पास यहां से 1/2 आ जाएगा, और ये यहां से मिलेगा 2 sin, यहां से 2x आ जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां से जस्ट बेटा देखोगे तो 4 cos of 4x आ जाएगा, 4 cos of 4x आ जाएगा। जब हम cos of 4x लगाएंगे बेटा तो हमें यहां से समझ में आना चाहिए, हम यहां से फिर से रखेंगे तो ये cos of 4x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आएगी, और यहां से sin 2x की वैल्यू कितनी आएगी, sin 2x की वैल्यू कितनी आएगी बताइए जल्दी से। sin 2x जब आप यहां पर रखोगे तो ये पाई बाई 4 यहां से कितना हो जाएगा बेटा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, यहां से रगड़ो लगाओ जरा, ये बेटा आपके पास यहां से कट जाएगा तो माइनस ऑफ 1/4 बचेगा, और यहां से आपके पास आ जाएगा sin ऑफ 2x, sin ऑफ 2x देखोगे तो sin ऑफ पाई बाई 2, और cos ऑफ 4x देखोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स आपके पास था यहां से, तो cos ऑफ आपके पास यहां से कितना आ जाएगा, पाई, cos पाई की वैल्यू -1 आती है, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 1/4, खत्म, आपके पास वैल्यू बन जाएगी 1/4, खत्म। अरे अभी 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 परेशान मत होइए, अभी जस्ट हमारा ये वाला पार्ट जो था ना, ये बेसिक वाला पार्ट था, अभी लिमिट बची है, अभी 3 lecture और होंगे उसके बाद लिमिट होगी, ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, अभी बहुत कुछ इसमें बचा, अभी हम बाइनोमियल फंक्शन करेंगे, ठीक है, बाइनोमियल फंक्शन के बाद हम लोग थ्योरम्स पे आएंगे, फिर हम कुछ मतलब फिक्स फॉर्मूलेस पे आएंगे, तब आपकी लिमिट तैयार होगी जाएगी, है ना, आप ऐसा मत सोचो कि सर हम एकदम से तैयार हो गए, ठीक है, हम ऐसा मत सोचो कि हम तैयार हो गए, मैंने बोला ना कि मैं बिल्कुल बेसिक से 0 से नहीं आपको और माइनस उठाओ, आपको 11th 12th का पढ़ाया है, 11th 12th का पढ़ाया है, ये सब कुछ आप 11th में पढ़े, सब कुछ पढ़ा है आपने 11th 12th में, ठीक है, और मतलब कुछ उससे ज्यादा टफ है भी नहीं, आप ये भी मत सोचना कि नहीं उससे ज्यादा कुछ भी टफ है। इसके बाद हम लोग बीच बीच में किसी दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सीरीज भी लगा लेकर 15-20 question ताकि आइडिया लगता रहे, उसमें सारी ब्रांचेस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो चलो अभी हम लोग यहाँ से लीव कर देते हैं, अभी हम लोग यहाँ से लीव कर देते हैं, टाइम इज अप, टाइम हो गया है, तो अभी हम लोग लीव कर देते हैं, बिकॉज टाइम हो गया है, तो दैट्स नॉट एन इशू, कि अभी लास्ट क्वेश्चन ही था ये हमारा वाला, है ना, लास्ट क्वेश्चन ही था ये हमारा, मॉड्यूल 2 चल रहा है, तो आप जिसकी भी क्लास है वो जा सकता है, और डिटर्मिनेंट वाले भी सारे करवाएंगे एक तरफ से। पहले तो मुझे ये बताइए कि जो भी चीजें यहाँ पे चल रही हैं वो समझ में आ रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है ना, थोड़ा बहुत हो सकता है कि ग्राफ वाला पार्ट आपको ऐसा लगे कि अरे सर एकदम से पहले पढ़ा नहीं था अभी समझ में नहीं आ रहा, या फंक्शन वाला पार्ट कहीं से बीच में आ जाता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो, तो अभी जस्ट मुझे ये बताइए कि यहाँ तक हाँ पूरा मैथ्स पढ़ा, हाँ प्लैनेट गेट पे पूरा मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है, प्लैनेट गेट पे पूरा मैथ पढ़ाएंगे, तो जो चीजें हैं यहां पे चल रही है वो आपको क्लियर हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सर हम जबरदस्ती कर रहे हैं, थोड़ा सा जैसे जैसे प्रैक्टिस पे आगे चलते जाएंगे ना वैसे वैसे आपको और कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ओके, चलो फिर, चलो फिर, ओके। बहुत डाउट आ रहा है, रॉयल लियो का कहना है कौन से इस चीज में डाउट आ रहा है, पहले तो मुझे बस ये बता दो कि किस चीज में डाउट आ रहा है ना, और थोड़ा सा आप भी कोशिश किया करो कि मैं भी समझने की कोशिश करूं, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल 12th का टॉपिक है, ये बिल्कुल 12th का टॉपिक है कि सर मुझे ये आप खुद बोलो सर इसमें ऐसा नहीं ऐसा होगा, ठीक है, जो डाउट क्लियर नहीं हो रहा है वो ग्रुप में डालो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा,
ठीक है, डाउट जो भी क्लियर नहीं हो रहा है पी भाई, अरे यार अभी तो शुरू किया है, आज हम लिमिट के बेसिक पे बेसिक फिनिश किया, अब हम कल से इस पे स्टार्ट कर पाएंगे लिमिट पे, है ना। तो अभी तो हमने जस्ट बेसिक फिनिश किया, तो आप परेशान मत हो, ये बिल्कुल एकदम मस्त रहिए, है ना। चलो, सो दिस इज व्हाट, जो लोग भी मतलब पूरी टीम एक कस्टमाइज वे में पढ़ना चाहते हैं, 2022 का 23 का जिनका प्लान है वो ऑब्वियसली प्लस पे आ सकते हैं, एंड अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप मेरे साथ आ जाइए, यू कैन यूज माई कोड, एंड माई कोड इज व्हाट, त्यागी 100, ठीक है। आप इस कोड को लगा के कहीं पे भी अनअकैडमी में किधर भी घूम सकते हैं। दिस इज अ फी स्ट्रक्चर, अगर आप इस फीस की जस्ट बात करेंगे तो इस फीस में अगर आप कोड लगाएंगे तो यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट, ठीक है। सो 10% डिस्काउंट मिलेगा आप, अगर ऐसा 10% डिस्काउंट के लिए कोड यूज मत करना, है ना। हाँ ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, चलो ठीक है। हाँ FM से मैथ नहीं, सेक्शन वाइज कर रहे हैं, मैं केवल कैलकुलस पढ़ाऊंगा, बाकी अदर टीचर्स जो हैं वो अदर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। अदर जो भी टॉपिक्स होंगे टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। चलो चलो, अभी बेटा हमारे पास ये जस्ट 12-18 एज वेल एज 24 मंथ्स का है, और अगर आइकॉनिक की बात करेंगे तो दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर आइकॉनिक, अगर आपको आइकॉनिक लेना है तो आप आइकॉनिक पे आ सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है। अगर आप एंड इफ यू सपोर्ट मी तो आप मेरा कोड लगाइए, अगर आपको कोई और सर है तो आप उनके साथ जाइए डेफिनेटली। कल अनअकैडमी का कॉम्बैट है सुबह सुबह 11 बजे, तो जो लोग भी अपियर नहीं हुए वो अपियर हों, और अगर आपकी रैंक 1-3 आएगी तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड, है ना। कल अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को रजिस्टर करने के लिए आप मेरा कोड लगा सकते हैं, द कोड इज व्हाट, त्यागी 100। 4-10 में 75%, 11-50 में 50%, और सबसे बड़ी बात है टॉप 200 को कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, है ना। स्पेशल क्लास वेडनेसडे को होगा, स्पेशल क्लास आपका वेडनेसडे को होगा। दिस इज द बैच फॉर केमिकल इंजीनियरिंग जो स्टार्ट हुआ है, आप चाहे तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द बैच फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो स्टार्ट हुआ है, और ये बक्स एंड मंडी प्रोग्राम है, सबसे ज्यादा मैं ही कुछ ना कुछ लिख जाता हूँ, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा इशू नहीं है, है ना। सबसे ज्यादा राइटिंग जो स्किल्स है ना वो मेरी ही खराब है, तो उसमें एक सर वो अच्छा नहीं लिखा था, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, सब लोग मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, और कल हम, कल तो नहीं मिलेंगे, संडे ऑफ रहेगा, मंडे को हम लोग फिर से मिलेंगे शाम को 4 बजे। थैंक यू बच्चे। फंक्शन एंड डोमेन बिल्कुल भी नहीं आता, और फंक्शन एंड डोमेन अगर करना है तो वेडनेसडे को मुझे स्पेशल में मिलना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक 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 दो दो घंटे की मतलब 2-3 क्लास लगा देते हैं, उसमें जो भी पार्ट है उसको क्लियर कर देते हैं। चलो ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।